मुझे उम्मीद लग रहा है कि अभी मेरी आवाज आप लोगों तक सही तरह से पहुंच गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। आज इस प्रोग्राम में सबसे पहले आर डी पटेल साहब ने वेलकम किया और बताया, जस्ट आई हैव टॉक विद मनोज सर बिफोर 4 आवर्स। तो एक गुड न्यूज ये मिला है कि फर्स्ट नंबर में महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर में तेलंगाना है और थर्ड में इंडिया में गुजरात है। और सवाल ये है, थर्ड और सेकंड में कोई डिफरेंट नहीं है, तो इस महीने में हमको सेकंड नंबर तो पाना ही है। अगले महीने की बात अगले महीने में करेंगे। सो आई टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। वेलकम टू रिस्पेक्टेड आईटीसी प्लेटिनियम आर डी पटेल सर, रिस्पेक्टेड संजय पटेल, रिस्पेक्टेड प्रकाश पटेल, डीएस पटेल, यश पटेल, जीके पटेल एंड आनंद पुत्र सर, दिशांत नाई सर, झाला सर, अमृत भाई एंड स्पेशल हमारा हीरो टाइगर, लास्ट सीटीसी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है वही शैलेश सर, मैं वेलकम करना चाहूंगा। दूसरी इंपोर्टेंट मैटर ये कि अगले महीने में हारमोनी और दो नए एनटीसी शायद नजीक नजीक है बनेंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद सीटीसी बन रहे हैं, उसके 1 महीने के बाद यानी कि 8 हफ्ते के बाद नया आईटीसी भी बन रहे हैं। तो आज हारमोनी बहुत ग्रोथ में है। दूसरे में आप सब लोगों को यही बधाई देना चाहूंगा दोस्तों कि जहां से माई लाइफ की शुरुआत हुई वहीं से आज दिन तक हाईएस्ट रिकॉर्ड बिजनेस लास्ट हफ्ते में हमने डिपॉजिट किया है। तो मैं पूरे हारमोनी ग्रुप्स और माई लाइफ परिवार और गुजरात के बाहर से जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं तो मैं वेलकम करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड हरीश सर एंड शायद किशोर आहिरे सर, मे बी पॉसिबल कहीं ना कहीं मेरे को सुन रहे हैं, पीके मिश्रा सर भी सुन रहे हैं और कुछ और लीडर है मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम ऑल एनटीसीज ऑफ हार्मनी, आरटीसी, एसटीसी, जेडटीसी, डीटीसी, एटीसी, टीसी, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सभी अपने फैमिली। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हर बार 1.5 घंटा होता है, आज 2 घंटा होगा शायद, अपनी जगह बनाए रखें। कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी अच्छा भाग लो, कितना भी अच्छा गेस्ट को बुला लो, कितना भी अच्छा वार्तालाप कर लो, कितना भी अच्छा सब कुछ करने के बाद जब तक क्लोजिंग नहीं होता, क्लोजिंग ऑफ जूम, क्लोजिंग ऑफ 1-to-1, क्लोजिंग ऑफ ग्रुप एंड क्लोजिंग ऑफ रिटेलिंग, जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा बिजनेस होने वाला नहीं है। और आपके 2 घंटे के अंदर आप सभी लोगों को लगेगा कि मैंने कहां पे क्या गलती किया, मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। हो सके तो अपना पॉइंट्स को नोट करना और एक दावा कह दो, अगर कोई बंदा यहां पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 2 घंटा बैठा तो 2 घंटे के बाद उसका बिजनेस अगले हफ्ते से शायद, मैं इतना तो वादा करता हूं, 25-50% ग्रोथ होगा। क्योंकि जिस तरह से बहुत ही अच्छे लोग के घर के काम जाते हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते, प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते, तो उसका पहला फंडा मैं बताने के लिए जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूं, तो प्लीज वेट। यस सर, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स वंस अगेन से हार्टली वेलकम टू यू ऑल लीडर्स। ध्यान रखना दोस्तों, आज मैं इस सभी बारे की बात करने वाला नहीं हूं क्योंकि अनसर्टन टाइम ऑफ लॉकडाउन टू अनलॉकडाउन हम सभी लोग वही दौर से गुजर रहे हैं। हमने बहुत ही मीटिंग सुना है, उसकी कंडीशन भी जाना है, कुछ लोगों ने अलग अलग लीडर ने अलग अलग तरीके से नॉलेज दिया है। रियलिटी ये है दोस्तों, मैं तो 2-3 2 मिनट ही बात करूंगा उसके बारे में कि आज का जो रिसेशन है उसके बारे में कुछ लोग फिगर बता रहे हैं, इतने लोगों की नौकरी गई, ये सब सही नहीं है, ये सब अंदाज बार की बात है, 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, ये सही नहीं है। सही ये है कि आज फॉर एग्जाम्पल, सही क्यों नहीं उसका एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट से काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से 300 लोग काम करते, 200 लोग काम करते, आज कॉन्ट्रैक्ट बंद है तो वो 300 को काउंटिंग वो 14 करोड़ में, 12 करोड़ में, 20 करोड़ में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे इंडिया का कितने कितने लोग 140 करोड़, 140 करोड़ से 150 करोड़ हम अंदाज काउंट कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट काउंटिंग 130 करोड़, लेकिन उसको 10 साल हो गया है। उसमें से एक्चुअल 18 साल के नीचे के लोग
मोर देन 45% लोग है, 18 साल से ऊपर चले जाओ कि जो बुजुर्ग लोग है, जो 60 क्रॉस कर चुका है, जो रिटायरमेंट पे है, वो लोग 20% है। तो बाकी बचा कितना? 20 प्लस 45, 65, 35% बचा। 1,40,00,000 का 30 पॉइंट काउंट करो। एक्चुअल लोग होते 55 करोड़, जो नौकरी कर सके, जो जॉब में जा सके, उसमें से 15 करोड़, हम फिगर बता रहे 14 करोड़ का, लेकिन उसमें भी हम ये चीज नहीं बता रहे कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कितने लोगों की नौकरी गई, वो काउंटर में नहीं आते। तो कहने का मेरा मतलब ये है, आज आने वाले समय में बहुत बड़ा रिसेस, वो आपके अंदाज के बाहर की कंडीशन है, क्योंकि आज लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है। जो जिंदगी की जरूरत की चीजें वो ही लेते हैं। अगर आपको मोबाइल बदलना है तो आप वेट करोगे? आप नहीं करोगे, लोग करेंगे। जो चीज जिंदगी में जरूरत है, खाने पीने की चीज, वही लोग परचेस कर रहे हैं। यानी कि बिजनेस डे बाय डे डाउन जा रहा है। लास्ट मीटिंग में आपने सुना था, तो रियलिटी टू डे बिजनेस एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम देन इम्पोर्टेंट ये है कि आज बेस्ट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग है, उसमें भी माई लाइफ है। तो माई लाइफ में काम कैसे किया जाए, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, माय रेफरेंस नंबर है बी पटेल, सी एन पटेल, गांधीनगर। मेरा एक आईडी डायमंड में है, आईडी सेक्रेटेरियन में है, और भी आगे बढ़ रहा हूं। आप सभी लोगों का सहयोग से टुडे कमिटमेंट इज देयर। 2 घंटा बैठे रहना, आपका बिजनेस में डबल करने की कोशिश करता हूं, और डबल करने का पूरा वादा भी करता हूं कि 4 हफ्ते में बिजनेस का इतना जंप लगेगा, क्यों लगेगा, सिंपल ध्यान रखना। बहुत मजे वाली बात यहां पे करता हूं। सिंपल फंडा क्या है? आज हम जो मानते हैं, हम जो सोचते हैं, और रियलिटी, उसमें बहुत डिफरेंट है। किस तरह से कि आज लोग हमें बोलते हैं, लोग नेटवर्क के बारे में ये बोलते हैं, लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत बोलते हैं, लोग कंपनी के बारे में गलत बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, हम पूरी दुनिया को ये बताने नहीं जा सकते कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, वो हमारा मैसेज देने का धंधा नहीं है। हमारा धंधा ये है, हम क्या कर रहे हैं। ध्यान रखना, हमको क्या करना है। एक बंदे को हमने माई लाइफ समझाया, माई लाइफ नहीं किया, उसका मतलब ये है हमने पूरी तरह से माई लाइफ नहीं समझाया, या तो प्रॉपर जगह पे नहीं समझाया, उसकी लाइफ के रिलेटेड माई लाइफ का क्या इंपोर्टेंस है, माई लाइफ किस तरह से जिंदगी बनाता है, वो पूरी तरह से हमने नहीं समझाया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 10 ग्राम सोने का हम 50,000 रुपये देते हैं, और 10 ग्राम लोहे का क्या देते हैं? शायद 5, 10, 15, 20, 25 रुपया। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, हम जानते हैं सोने गोल्ड की क्या कीमत है, गोल्ड की वैल्यू जानते हैं। जब वैल्यू जानने के बाद हम माणिक चौक जाके, मार्केट में जाके 50,000 रुपया लेके 10 ग्राम गोल्ड लेके आते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा, माय लाइफ प्रोडक्ट इज गोल्ड, माय लाइफ बिजनेस इज गोल्ड। मेरी जिंदगी में माय लाइफ कितना इंपॉर्टेंस है, वो जब तक वो नहीं जानेगा तब तक आपको पैसा देने वाला नहीं। सो आई डेल, हम गलती कहां पे करते हैं? बहुत ही लोग बहुत भागते हैं, हर जुम में बैठते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए क्लोजिंग के लिए वो काम नहीं होता। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा छोटा सा रेफरेंस, आज मैंने रेफरेंस का स्लाइड ज्यादा नहीं रखा है, क्योंकि आप सब लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग बाहर से बैठे हैं, उसको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, गाड़ी बाड़ी अपने लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी लास्ट महीने का मेरा 27,55,000 प्लस इनकम है, और स्क्रीनशॉट के साथ आप देख सकते हो, क्योंकि प्लस आउट की बात करें तो अभी एक साइड में 1 करोड़ का बिजनेस है, साइड में 1 करोड़ से ज्यादा है। देखो, अभी सोचा नहीं था 2,10,000 मिलेगा, लगता था बहुत बड़ा है, 17,50,000 भी मैचिंग हो सकता है, 23,00,000 रुपया, ORG 1, ORG 2, नॉट पॉसिबल। आज मोर देन 1 करोड़। दोस्तों, आपकी साथ भी ये होने वाला है, लेकिन ये कला सीख के आपकी टीम को स्ट्रांग करना है। ये मेरा छोटा सा मकान है, ये मकान का मेरा बैठक रूम है, ये मेरा दूसरा मकान है, ये मेरा तीसरा मकान है, ये अपना ऑफिस है, ये अपना पार्ट टाइम पैसिव इनकम का बिजनेस है, ये फार्म्स आप देख रहे हो,
और ये मेरा बेटा संजय है, जिस तरह से यश काम करता है उस तरह से मेरा बेटा संजय काम कर रहा है, जो आप सिलचर में जो आज भी वो बाहर है भूज है, आज दो दिन से तीन दिन से निकला है राजस्थान से, लेकर आज भूज पहुंचा है, शायद कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, वो ऑलवेज मार्केटिंग में रहता है, ऑलवेज फील्ड में रहता है, आज भूज में वो प्रोग्राम सुन रहा है। तो कहने का मेरा मतलब इसका अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा क्या है कि हम हर प्लान में दिखाते हैं नॉमिनी, एक बार बिजनेस करने के बाद कितने नॉमिनी का एग्जाम्पल है अपने पास। आज रियल मार्केट में काम करने सब लोग लग गए, जिस तरह से शशांक कर रहा है, हरीश शेट्टी का सन, किशोर आई जी का दो बच्चे को दो आईडी दिया आई टी सी का, वो फुल टाइम, यश पटेल फुल टाइम, देखो हर प्रकाश मैंने मीटिंग में बहुत ही लोगों का नाम लेके बताया। तो ये बिजनेस की ताकत को समझो, सवाल है पांच साल का नहीं है, सवाल है क्लोजिंग करने के लिए चार घंटा निकालने का नहीं है, सवाल है फ्यूचर क्या है। सो मैं बताने की कोशिश करूंगा, ये सब कैपेसिटी मेरा नहीं है, कंपनी माई लाइफ टाइम मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की ताकत है। दोस्तों आई वॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, अगर मैं करोड़पति बनने की मेरी कैपेसिटी होती तो वो प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था जहां पे मैं जॉब करता था, तो ये प्लेटफॉर्म है। और मैं मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह की कंपनी की सोच पर अपने गॉडफादर रिस्पेक्टेड प्रवीण जी चंदन सर, कैलाश सर, सलील सर एंड आलोक सर एंड अपने रीजनल हेड श्रीकांत सर एंड मनोज सर और स्पेशल सुनील सिंह को याद करूंगा कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो मेरी सोच के बाहर का काम है। मेरी सोच के बाहर कोई काम होता नहीं था ऐसा मैं मानता था, लेकिन आज जिस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं, रियल मैनेजमेंट को दिल से सैल्यूट मारता हूं। दोस्तों हम लकी है। दोस्तों आपको एक सवाल ये आएगा कि मेरा कैरियर क्यों बनेगा, मैं आपको 10 मिनट ब्रीफ करूंगा, बाद में मेरा सब्जेक्ट पे जाऊंगा। ये चीज आप समझ लीजिए, पहले बहुत ही लोग आज अगर सही तरह से हमने क्लोजिंग नहीं किया और टेक्निक देके टीम को तैयार नहीं किया तो फ्यूचर में बिजनेस होने वाला नहीं है। अगर जो लोगों ने काम किया उसके डाउन में हम और आपसे कैपेबल लोग आने वाले हैं। हो सकता है किसी के पास स्किल अच्छा है, नॉलेज किसी के पास एटीट्यूड अच्छा है, किसी के पास कोई हार्डवर्कर है, कोई रेप्यूटेड है, कोई नीडी है, कोई एजुकेटेड है, कोई ड्रीमर है। सो डोंट थिंक यू व्हाट्स थिंक पीपल, लोग क्या सोच रहे हैं ये उसको छोड़ दो पहले। लोगों को सुधारने का धंधा हमारा नहीं है, हमारा धंधा है लोगों की जिंदगी बनाने का। तो ये लोग कब आएंगे, हम काम नहीं करेंगे घर बैठे रहेंगे तो आएंगे? हाँ, उन लोगों को लाने के लिए उनकी जो नीड है वो नीड के साथ एमआई को कनेक्ट करना है। हाउ कैन पॉसिबल कैरियर इन एमआई? अगर मुझे लगेगा, मैं एग्जांपल देता हूं, एक बंदा काम कर रहा है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, फॉर एग्जांपल कॉमन आप लोग जानते हैं, जब नेटवर्क का नाम आता है तो कोई भी कंपनी का एक नाम आपके दिमाग में आ गया है, एमए। एक बंदा एमए में काम कर रहा है, एक बंदा माई लाइफ में काम कर रहा है। जो माई लाइफ में काम कर रहा है उसको मालूम है माई लाइफ इज बेटर देन एमए, जो एमए में काम कर रहा है उसको मालूम नहीं है कि माई लाइफ क्या है। तो आपका क्लोजिंग का सबसे ताल्लुक इस बात को यह है कि आप जिसका क्लोजिंग करने के लिए दिया उसका मतलब यह है आप क्लियर नहीं कर पाए कि रियल माई लाइफ क्या है और आपकी जिंदगी में क्या बन सकते हैं। ध्यान रखो, आप प्रोडक्ट लेने के लिए देने के लिए गए रिटेलिंग करने के लिए, शायद प्रोडक्ट सेल हुआ या नहीं हुआ, तो उसका मतलब यह है आप क्लियर नहीं कर पाए इस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है। 50,000 कब देगा, जब सोना दिखाओगे तो तब देगा ना। अगर सोने को हम रोड पे रोड की पटरी पे फुटपाथ के हम बेचने के लिए बैठ जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो उसका वैल्यू करने के लिए सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा ये चीज क्या है। मैं इसीलिए माई लाइफ कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि माई लाइफ मेरे लिए लाइफ है, माई लाइफ सबसे बेटर कंपनी है, माई लाइफ का मैनेजमेंट बेटर है, माई लाइफ का प्रोडक्ट बेटर है। नए प्रोस्पेक्ट को ये मालूम ही नहीं, हम मालूम नहीं कर पाते। तो कहने का मेरा मतलब, मैं आज उसके बारे में हम आगे सोचेंगे। दूसरी बात ये है दोस्तों, ये थोड़ा दो स्लाइड में आपको बातें करूंगा। आई विल डू हार्ड वर्क आफ्टर सम आफ्टर दिस सपोर्ट। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट मिलेगा उसके बाद काम करूंगा, मैं उसके बाद फुल टाइम हो जाऊंगा, मेरा टीम बनने के बाद मैं काम करूंगा। आई विल डू वर्क आफ्टर बिग टीम, मेरा बिग टीम बनेगा तभी काम करूंगा। जिंदगी में एक चीज याद रखना, कभी मोमेंट यानी कि कोई क्षण आती नहीं है, उसको लानी पड़ती है। गेस्ट कभी सामने से पैसा देने वाला नहीं है,
उसका दिमाग क्लियर करके क्लोजिंग करना पड़ता है. सो आई वुड वर्क इंडिपेंड आफ्टर आफ्टर कंप्लीट. सर मैं थोड़ा काम कर लू ना, थोड़ा टीम बन जाए ना, बाद में मैं काम कर सकता हूँ. टीम बनेगा नहीं कभी. बहुत ही लोग ये बताते हैं आई विल डू हार्ड वर्क आफ्टर सर्टेन टाइम. सर ये मेरा अभी थोड़ा काम है, ये है वो है. जिंदगी में एक चीज याद रखना, आज से शुरू करो, उस सब बहाना से बाहर निकल जाए. जिंदगी में काम करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए कभी मूवमेंट आएगा नहीं. आज ही मूवमेंट है, अब से शुरू कीजिए. डू नॉट वेट. सो वंस अगेन आई रिपीट, आई विल हार्ड वर्क आफ्टर सम टाइम. जिंदगी में वो टाइम कभी नहीं आएगा जो टाइम आप चाहते हो. आपको हार्ड वर्क करके टाइम लाना पड़ेगा. आई विल डू फुल टाइम वर्क आफ्टर सर्टन टाइम. ये टाइम के बाद में फुल टाइम हो जाऊंगा वो कभी नहीं हो सकेगा. तब तक आप बहुत ही लॉस कर चुके होंगे. आई विल डू वर्क आफ्टर बिग टीम. बड़ा टीम बनने के बाद में काम करूंगा. मेरा ये वर्क इन डिपेंड आफ्टर कॉन्फिडेंस. सर मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं मार्केट में थोड़ा काम कर लू, थोड़ा टीम बन जाए, उसके बाद काम करूंगा. वो चीज कभी आने वाली नहीं है. सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मीटिंग सुनने के बाद कल से ही हमको हाथ में लगाम लेना है. कल से ही स्टार्ट करना है, आज से ही स्टार्ट करना है, रात से ही स्टार्ट करना है. जो मैं बता रहा हूं, मैं बताऊ, आप वेट कर रहे हो एग्जाम्पल, तो वो मोमेंट कभी नहीं आएगा. आई विल गो आफ्टर कॉल, ही रेडी. मुझे कॉल करेगा तो मैं जाऊंगा ना सर. मुझे कॉल नहीं करेगा तो मैं कैसे जाऊंगा क्लोजिंग करने के लिए? कोई कॉल नहीं करेगा, वो भी तरीका चाहिए. शो कहने का मतलब, इफ यू विल नॉट गेट मनी. लास्ट में एक बात बता के मेरे मूड पॉइंट पे जाने की कोशिश करता हूँ. दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर जिंदगी में आपने पैसा नहीं कमाया, लोग कमाएंगे. ध्यान रखना, जो एक तरीके से काम नहीं करेगा, आज से 5 साल बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड बनेगा, एक एसटीसी वहीं पे खड़ा रहेगा. जो काम करेगा, सिस्टम को समझो. If you will not get money and time freedom, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, आप टाइम फ्रीडम नहीं लोगे, आप शांति से नहीं जी पाओगे. लोग विल गेट पीपल, लोगो कमाएंगे. किसी के लिए न तो रुकेगा कंपनी, न तो रुकेगा डेवलपमेंट, न तो किसी के लिए समय रुकेगा. आज भी तय करना है कि जिंदगी कैसे. If you will happy or unhappy, अगर आप खुश है या हैप्पी है, अनहैप्पी है, दुखी है, समय जाएगा. आपको आज तय करना है कि मुझे किस तरह से काम करना है. मैं बहानाबाजी बंद करना है आज से हमको. इफ यू विल पुअर है रिच, अगर आप गरीब है अमीर है तो भी समय जाएगा. अगर आप हैप्पी है अनहैप्पी है तो भी समय जाएगा. एंड कंपनी विल बिकम नंबर वन. आज देख रहे हो दोस्तों, हर रिकॉर्ड ब्रेक करके कंपनी जा रही है, हार्मनी ग्रुप जा रहा है. जो लोग नखरे करते हैं उसका बिजनेस नहीं होता. सो आई टेल यू कैन थिंक फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली. मुझे मेरी फैमिली को 5 साल के बाद कैसा जिंदगी देना है. तो कहने का तो मेरा सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि अभी मैं मेरा स्मूथ पॉइंट्स पे जाने की कोशिश करता हूँ. जस्ट आई एम टेलिंग, आर यू वांट सक्सेस? अगर जिंदगी में आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं तो मुझे एक जरा आपका एक कॉमेंट छोटा सा चाहिए कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ. तो सक्सेस कैसे होते हैं मैं बताता हूँ. सिंपल बात बता रहा हूँ कि कितने भी मेहनत करने के बाद जब तक हमारे पास पैसा डिपॉजिट नहीं होता तब तक हमारा बिजनेस नहीं होता. और पैसा डिपॉजिट नहीं होने का कारण कोई नहीं है, हम खुद है. हाउ टू क्लोजिंग आफ्टर जीटीएस, जूम प्लान, ग्रुप प्लान एंड 1-to-1 प्लान. सिंपल, मोस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स डू मोर मिस्टेक आफ्टर जीटीएस. ध्यान रखना, अभी हमको 3 तरीके का क्लोजिंग करना है. पहला क्लोजिंग कहाँ पे, हम जूम पे आप अपने दोस्त को हम बिठाते हैं प्लान, 1-to-1 का क्लोजिंग, ग्रुप प्लान का क्लोजिंग. क्लोजिंग का सवाल एक ही रहेगा. जूम के बाद अगर किसी के घर पे जाओगे तो यही सवाल रहेगा, वही सवाल जीटीएस के बाद रहेगा, वही सवाल 1-to-1 में रहेगा. सबके लिए कॉमन है. जूम के बाद हम जाने के बाद क्या करते हैं, किसी को जूम ने आपको बिठाया, बिठाने के बाद आप फोन करते हैं ना, क्या फोन करते हैं, कैसा लगा. जॉब क्या मिलता है, बहु आ रहा फॉर्म भरू लोग ना बे मिना बसी कैसे. ध्यान रख, कैसा लगा, जॉब क्या मिला, अच्छा है, ठीक है,
देखूंगा, सोचूंगा, मजा आया, हाँ मजा आया, उसके बाद क्या? हमने एक सवाल किया, हम इतना सवाल करते हैं जो सवाल से उसको बोलने का चांस मिलता है नेगेटिव टॉक, ये क्लोजिंग डिले होता है। और भी हम सवाल क्या करते हैं, आपका क्या विचार है? अगर आपने बोला आपका क्या विचार है तो बोलेगा क्या, मैं सोच के बताऊंगा। अगर आपने नहीं पूछा होता तो यह सवाल नहीं आता। फॉर्म कब भरोगे? देखो ये सवाल हम सब लोग कर चुके हैं। जूम में कैसे इनवाइट करना वो बात मैं आज नहीं करता हूं, वन टू वन में कैसे जाना वो बात भी आज मैं नहीं करता हूं, ग्रुप प्लान में कैसे बिठाना वो बात भी आज नहीं करता हूं। आफ्टर जूम, आफ्टर जीटीएस, आफ्टर वन टू वन, आफ्टर प्लान क्या करना, ये सब चीज हम पूछते हैं। ध्यान रखो दोस्तों, उसमें से कोई भी सवाल अगर आपको कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे? आप प्रोस्पेक्ट, आप मेरे को फोन करना, मैं फॉर्म भर जाऊंगा। आज दिन तक किसी ने फोन किया है? नहीं। फिर भी हम गलती करते हैं। उसमें से कोई ऐसा सवाल नहीं है जो सवाल मुझे जो लोग सुन रहे हैं उसने नहीं किया। ये सवाल से एक मौका मिलता है ना बोलने का, डिले करने का, तो आज के बाद उसमें से एक भी सवाल नहीं। आफ्टर प्लान हो सके जूम, वन टू वन एंड ग्रुप, करना क्या है ये भी सवाल करते हैं। पैसा है आपके पास, कब दोगे, किसके नाम से लोगे? अगर किसी को बोलो किसके नाम से आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे तो वो क्या बोलेगा? सर एक काम करते हैं, हमारे घर में मीटिंग कर लेते हैं, दो दिन सोच लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे, बात खत्म। कौन सी प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या करेगा, एक कमिटी बुलाएगा घर में, 5,000 का प्रोडक्ट लेना है, क्या क्या लेना है, 95 कितने का, ये कितने का, ये कितने का। आपका प्रोडक्ट कभी आपका क्लोजिंग नहीं होगा। ये सब गलतियां हम करते हैं। आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, 10 लोगों को मिला, किसने पैसा नहीं दिया? उसका रीजन यही है, किसके नाम से लोगे, कब पासा दोगे, आपके पास बैंक अकाउंट है। ये सब सवाल से प्रोस्पेक्ट को एक ऐसा जवाब का मौका मिलता है जो जवाब आपका सेल को डिले करता है। तो शो रिक्वेस्ट मेरा, आज के बाद उसमें से कोई सवाल नहीं करो। और आपको एक सवाल कर लू, फिर से एक बार बात कर लू, आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर लोग सुन रहे हैं, जितने लीडर लोग सुन रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं अप टू टीसी एटीसी, अगर आपने किसी को यह सवाल किया था तो आपको क्या जवाब मिला था? अपने आप को पूछो। फिर भी हम वही सवाल करते जाते हैं, तो आज के बाद ये सवाल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आफ्टर जीटीएस जूम प्लान एंड ग्रुप प्लान क्या करने का है, ध्यान रखना। नो मोर डिस्कस बट इफ पॉसिबल टेक टाइम नेक्स्ट मीटिंग। अभी मेरे को एक जूम मीटिंग कंप्लीट हुआ, प्लान, उसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं? एक कॉल लगाया, बस। कैसा रहा मीटिंग? बहुत अच्छा। क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ना अभी? तो आपको मैं सोच के बताऊंगा, क्लोजिंग नहीं हुआ। करना क्या है? जब भी आपका कोई भी प्लान कंप्लीट होता है, नो मोर डिस्कस बट इफ पॉसिबल, एक प्रोस्पेक्ट का क्लोजिंग कब होगा? जब हम उसके पास जाके बैठेंगे और उसको माई लाइफ का वैल्यू बताएंगे, उसकी लाइफ में कितना इंपोर्टेंट है वो बताएंगे, तब वो 10,000 रुपया देने के लिए रेडी होंगे। लेकिन हम फोन पे बातें कर लेते हैं, तो करना क्या? आफ्टर जीटीएस सिंपल बात बता दी, सर मुझे उम्मीद है आपने प्लान देखा होगा। आपने जो सर प्लान देखा ना, वो एक टेलर था, आज हम एक मिलते हैं एक घंटे के लिए, सर एक बिजनेस जिंदगी बदलने का बिजनेस है। हाँ, चाहे आप काम करो ना करो वो इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बिजनेस जिंदगी बदलने का बिजनेस है। मैं एक घंटा शाम को 5 बजे आ रहा हूं, हम एक घंटा डिस्कस करेंगे, पॉइंट क्लोज। मैंने क्या किया, टाइम ले लिया जाने का। हम क्या करते, टाइम नहीं मिले उस तरह की बातें करते। तो आज के बाद किसी को मैंने जो बताया वो सवाल करने का नहीं है, सिंपल नेक्स्ट टाइम किस तरह से लिया।
अगर उसने टाइम दिया एक दिन के बाद, सर मैं 5 बजे फ्री नहीं, तो आप टेंशन क्यों कर रहे हैं, आप बोल रहे हो मैं 5 बजे में आ रहा हूं, आप जानते हो आपका दोस्त नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, क्या है, कब फ्री है। अगर उसने बोला कि सर मैं 5 बजे फ्री नहीं, कोई बात नहीं सर मैं 8 बजे आता हूं, आप टेंशन मत करो। और बताइए, बात को बदल दो, बोलना क्या है, सर आपने देखा वो एक टेलर है, ऐसे ही 45 मिनट्स में आप ज्यादा कुछ नहीं समझ पाओगे उसमें, लेकिन ये बिजनेस जिंदगी बदलने का बिजनेस है। मैं आपके पास बैठ के एक घंटा डिस्कस करूंगा, मैं शाम को 7 बजे आता हूं, 8 बजे आता हूं, 9, उसका टाइम ले लो। अगर एक ऑब्जेक्शन आया टाइम में, एक दिन डिले हुआ, उनको बोलने तो टाइम नहीं, आप टेंशन मत करो। जब आप घर पे जाओगे बात करोगे तभी पैसा निकलेगा, उससे पहले पैसा मिलने वाला नहीं है, क्लोजिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में 10 सवाल है, 5 सवाल है, 4 सवाल है, ये बिजनेस क्या है उसको कुछ मालूम नहीं है, और दिमाग में सवाल है, वो पैसा नहीं देगा जब तक उसका ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं मिलेगा। इफ पॉसिबल आफ्टर प्लान 48 आवर्स यू हैव टू कॉन्टेक्ट 1-to-1 फॉर क्लोजिंग। पहला टॉपिक, अगर डिले हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला सर एक काम कर ले, कल सैटरडे है, परसों संडे है, मैं संडे के दिन आपको मिलूंगा सुबह में 10 बजे, मैं आपको कॉल मिलकर से कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं 10 बजे आ जाऊंगा, तो उसको 3 एडमिनिस्ट्रेशन दो। अभी आपने देखा है कि जब प्लान होता है तो कोई भी प्रॉस्पेक्ट खुश हो जाता है, पर बोलता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इतना टारगेट पूरा कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं लेकिन घर जाने के बाद बोलते हैं, एक फोन आ जाता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा आईडी मत डालना, मैंने टोकन दिया है 500 रुपया, वो वापस कर देना। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, वो घर पे जाता है तो 3 गलती करता है, 3 में से कोई एक गलती कोई भी प्रॉस्पेक्ट करेगा 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 ही। पहला गलती क्या करेगा, प्रोडक्ट सेल करने के लिए किसी को फोन करेगा तो उसको बता देना सर हम मिलेंगे, तब तक आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में फोन मत करो। सेकंड गलती करेगा, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश करेगा तो उसको बोल देना सर आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के फोन मत करना, हम डिस्कस करेंगे, इसको पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे, बाद में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, किसी की एडवाइस देगा, घर वाले की, बीवी की, पापा की, हस्बैंड की, पड़ोसी की, क्योंकि वो माई लाइफ को बिल्कुल जानता नहीं है, वो सिंपल ना पड़ेगा तू फंस जाएगा। तो एक प्रोस्पेक्ट जब मीटिंग के बाद, प्लान के बाद खुश होता है, घर जाने के बाद वो मना करता है, उसका रीजन ये है कि वो 3 में से 1 गलती करता है। हमारा काम क्या है, गलती रोकना। तो अगर आपको ज्यादा लंबा टाइम दिया कि मैं कल शाम को मिलता हूं, परसों सुबह में मिलता हूँ, कल दोपहर को मिलता हूँ, तो उससे कोई बात नहीं सर एक काम करना सिंपल, आज माई लाइफ के बारे में आप किसी को कांटेक्ट मत करना, क्योंकि आपकी सवाल ये है कि आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कुछ सवाल किया तो आपको जवाब नहीं दे पाओगे, इसीलिए किसी की एडवाइस भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माई लाइफ के बारे में वो अननोन है, तो किसी को भी कॉल करके बात मत करना, हम एक बार डिस्कस करेंगे, बाद में हम सबको कॉल करेंगे। क्या करना, 3 पॉइंट्स, 1, 2, 3, no joining, no product selling and no advice. 101% कोई भी prospect 3 में से 1 गलती करेगा ही। अगर ये बात को आपने नहीं बताया तो वो आपको कॉल कर देगा, सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अगले हफ्ते में कॉल करूंगा। देखो क्लोजिंग कहां पे मारता है हमको। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बिफोर क्लोजिंग, जाने से पहले थोड़ा प्रिपेरेशन के साथ जाइए, और जब तक एक डिस्ट्रीब्यूटर का ध्यान रखना, लीडर लोग, लीडर आप सब लोग लीडर हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर का 5 क्लोजिंग नहीं होता तब तक आप किसी को अकेले को मत जाने। नया डिस्ट्रीब्यूटर रेस होतेगा, मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, मैं काम कर लूंगा, क्योंकि उसको शर्म आ रही है अगर मेरे रिलेटिव मेरे अपलाइन के सामने ना बोलेगा तो आपको अवॉर्ड करेगा। आप बोलोगे सर एक काम करो मैं साथ में आता हूं, साथ नहीं नहीं आप टेंशन मत करो, वो तो मेरा कजिन भाई है, वो तो अपना घर का मामला है, लेकिन वो बिना पैसे से वापस आए। तो रिक्वेस्ट ये 5 क्लोजिंग कराइए। यू हैव टू मस्ट बी आंसर ऑफ कॉमन क्वेश्चन। जब भी आप जाते हैं तो आपके पास पूरा बैग, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। 100% प्रिपरेशन के साथ चाहिए। 100% प्रिपरेशन की मतलब बैग, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्पाइरल, या तो लैपटॉप, पेन ड्राइव, विजिटिंग कार्ड,
प्रॉस्पेक्ट ब्रोचर बुक्स उसे देना कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास होना चाहिए। अब बाइक लेके एक फॉर्म लेके निकल जाओगे तो क्लोजिंग होने वाला नहीं है। बेसिक में आप लोगों को सिखाया जाता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेगा। अभी बात आई क्लोजिंग की, डोंट से मोर देन नेसेसरी, ज्यादा मत बताओ। कंपनी नंबर वन ने, कंपनी ने दुबई में कॉन्फ्रेंस किया था, कंपनी ने मलेशिया में कॉन्फ्रेंस किया था, कंपनी एशिया में नंबर वन बनने वाली है कंपनी, ये जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा फंसोगे। सिंपल, आस्क मोर क्वेश्चन एंड गेट आंसर। एक सवाल ऐसा करो जिसे प्रोस्पेक्ट का क्या कहानी है हमको मालूम पड़ेगा। हम क्या करते हैं, उसकी नीड है बाइक की, उसको BMW बता दो तो भाग जाते। ज्यादा मत बोलो, अगर आपने बोला है तो आप फंस गए। कंपनी बहुत बड़ा है, नंबर वन है सर, हाँ गूगल पे देखो, कोई काम नहीं। काम करो ना, कंपनी का बैलेंस शीट जोड़ो, क्या बोलते, कोई बात नहीं, मैं मेरे अपलाइन को फोन करता हूँ, ये फोन चलेगा 15 दिन बाद में प्रोसेस। एक काम करो, बैलेंस शीट लेके आओ, बाद में हम सोचते हैं। हमारा सेल को लेंदी करते हैं, तो 10,000 रुपये नहीं देगा, कंपनी का पूरा सीट मांगेगा, कंपनी का MD को घर पर बुलाएगा गेस्ट, क्योंकि हमारा ओवर टॉकिंग। आस्क मोर क्वेश्चन, हम किसी को एक सवाल करते हैं तो उसकी रियलिटी मालूम पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक मैक्सिमम इंटरेस्ट इन प्रॉस्पेक्ट टॉकिंग। हमको ज्यादा नहीं बोलना है क्लोजिंग में, प्रॉस्पेक्ट को ज्यादा बोलने दो। अगर वो ज्यादा बोलेगा तो उसको सुनो, सुनने में आपको मालूम पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, वहां पे आप क्लोजिंग में पंच कर सकते हैं। बहुत ही लोग कैसे हैं, प्रॉस्पेक्ट को मौका ही नहीं देते, तो उसकी हार्ट हम नहीं जान सकते। एग्जाम्पल, मेरा एक नीड है हर महीने का, मुझे 10,000 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज में, मेरी डिमांड में, मेरा टॉकिंग में बात आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी नीड क्या है। आप मुझे BMW बताओगे, करोड़पति बताओगे, तो मेरे दिमाग में फिट नहीं होगा। सो स्टडी ऑफ होम पोजिशन, घर की पोजिशन को बात करके बोलिए, अच्छी सही जगह पे बैठिए, रैपो मैच करके बैठिए। होता क्या है कि उधर बैठा है, उधर बैठा है, तो आपका रेपो मैच नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं होगा। टॉक विथ नेम, प्रोस्पेक्ट को नाम के साथ बुलाने की कोशिश कीजिए। मेथड ऑफ सेटिंग एंड पुटिंग बैग्स, फर्स्ट मीटिंग पोलाइटली। कोई भी प्रोस्पेक्ट के घर पे गया, ऑफिस पे गया, तो 2-3 मिनट इस तरह की हमारी बातें होना चाहिए कि हम दूसरा एक दूसरे से क्लोज आना चाहिए। उसका मतलब वो जो बोलता है उन बात को सपोर्ट करो। भाजपा कांग्रेस करना नहीं है, कांग्रेस अच्छा है, भाजपा अच्छा है, तो हम आर्गुमेंट जीतेंगे। कंपनी मेरा नंबर वन है, नहीं ये कंपनी नंबर वन है, हमारा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, नहीं ये अच्छा है। अगर जितना भी हमने ज्यादा आर्गुमेंट किया उतना ज्यादा हम फंसेंगे। 2-3 मिनट पोलाइटली मीटिंग के बाद के, डू नॉट शो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। बहुत लोग क्या करते, डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सिर्फ बताने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो सर्टिफिकेट मांगेगा तो सर्टिफिकेट किसने दिया, कब दिया, मुझे गूगल पे बताइए, मुझे इधर बताइए, अननेसेसरी। मुझे काम नहीं करना है और मैं अननेसेसरी इश्यू बनाऊंगा, क्योंकि मुझे दिमाग में आपको जो क्लियर करना था एज अ प्रोस्पेक्ट, मैं प्रोस्पेक्ट हूं, एक डिस्ट्रीब्यूटर मुझे क्लियर नहीं कर पाया, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में कितना मुझे आगे ले जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा सवाल करना है, रियलिटी जानना है। 2-3-4 मिनट शुरुआत की जो है, जहां से हमें इमोशनल टच देना है। डू नॉट शो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आस्क। अब ध्यान रखना, अभी मेरे को क्लोजिंग करना है, किसी को जानना है कि तेरे को पैसे की जरूरत है। हर बंदा क्या बोलता है, आप हमको तो भगवान की दया है, वो मोटरसाइकिल टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाएगा, लेकिन वो नहीं मानेगा। किसी को जानने के लिए जब आप सवाल करते हैं, मैंने किसी को सवाल किया, चिल्ड्रन चिल्ड्रन स्टडी, हम एक प्रोस्पेक्ट के साथ जब बैठे तो बातें कर सकते हैं दोस्त। आजकल एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, और आजकल एक कमर्शियल बेस पे चला गया है, और एक मिडिल क्लास वाले लोग अच्छी जगह पे पढ़ा अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, बस इतना बोल के छोड़ा। तो वो क्या बोलेगा, सर मेरा 2 बच्चा है, मैं इतनी फी दे रहा हूँ। देखो उसकी कहां पे हमने फोकस किया, उसके मुंह से बुलाया, मैं 12-1 साल का 1,00,000 रुपया बच्चे का फीस दे रहा हूं। वो नीड पे फोकस करना है। सर आजकल महंगाई बहुत है, हर घर में मिनिमम 40-50,000 बैठे, आपकी बात सही है सर,
सैलरी पूरा महीना नहीं चलता, उसके मुंह से बुलाना है, वो कैटेगरी देखना है। सो आस्क क्वेश्चन उसको, फॉर एग्जाम्पल टूर प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल उसके पास कार है तो कार का इंस्टॉलमेंट, कार की सर्विस, उसका क्या एक्सपेंसेस है, ये कोई भी एक जगह पे उसकी क्वालिटी देख के फोकस करो, जो मालूम पड़ेगा कि जिंदगी में पैसे की बहुत जरूरत। हम किसी को ये नहीं बोल सकते सर आप एक काम करोगे तो आपको हर महीने में इतना पैसा मिलेगा, आप एक बढ़िया कार खरीद पाओगे, आप ये कर पाओगे, लेकिन उसके दिमाग में नहीं जाएगा। जब तक उसकी नीड को हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो चीज बाहर नहीं। हेल्थ के रिलेटेड, रिसेशन यानी कि मंदी के रिलेटेड, आज के कोरोना की कंडीशन, दिन बदलना है, अच्छा करना है। अगर आप जहां पे गए वो प्रोस्पेक्ट का कंडीशन देख के, हम उसमें से कोई भी एक जगह पे पंच करके उसकी नीड को बुला सकते हैं, ताकि आपको क्लोजिंग करने में अच्छा रहेगा। शो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बच्चे का, बेटी का, बेटा का शादी आता है, 2 साल में शादी करना है, किसी को अगली 2 साल में मकान बदलना है, किसी शुड कम क्लोज बाय फिलिंग, आपकी बात से एक प्रोस्पेक्ट नजीक आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोडक्ट सेल करना है तो हमको प्रोडक्ट का वैल्यू बताना है, प्रोडक्ट का पैसा नहीं बताना है, कितने पैसे का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का वैल्यू बताना है। लास्ट में बोलेगा नहीं कितने का सर, नहीं सर 3,000 रुपया आपने बोला, वो बोलेगा 3,000, अरे सर जिंदगी बदलने का, जिंदगी से कीमती और कोई चीज नहीं है और ये अमृत। कभी उससे पहले हमने नाइनी भाई के बारे में पूरा ब्रीफ बता दिया, कितना एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी मिलता है, कितना रोग प्रतिकारक शक्ति मिलता है, तो वैल्यू बनाओ, वैल्यू बनाओ। प्रोडक्ट का क्लोजिंग के लिए भी वैल्यू बनाना पड़ेगा, और वैल्यू बनाने के लिए किसी को बात करना है, आपकी बात क्यों सुनेगा वो? जब तक आप इमोशनल टच आपके नजदीक नहीं आओगे तो इमोशनल टच दो, उसकी नीड को बाहर निकालो और अपना, अपनी प्रोडक्ट का वैल्यू बनाओ। वो 3 चीज क्लोजिंग में मायने रखता है। हम सीधा जाकर बैठ जाओगे और बहुत बढ़िया प्लान है, कंपनी ये है वो है, तो क्या होगा? कोई बात नहीं सर, मैं सोचूंगा, बाद में आपको बताऊंगा, मुझे 2 दिन का टाइम दो, और आप जहां भी जाके आए वहां 2 दिन का टाइम लेके आए, और 2 दिन के बाद क्या होता है हमको मालूम है सर। नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट ग्रीस द गैप ड्यूरिंग द डिस्कस के दरमियान, कुछ गैप नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बातें होना नहीं चाहिए जहां से हम दूसरे के दोनों के बीच में, क्योंकि जब प्रोसेसिंग की बात 45 मिनट्स में क्लोजिंग करके बाहर निकलते हैं, अगर गैप हो गई तो आपका 45 मिनट्स के अंदर सिर्फ आपको बिना क्लोजिंग से बाहर निकलना पड़ेगा और 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा, और जितने लोगों ने टाइम दिया वो 100% नेगेटिव हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रोस्पेक्ट लाइक टू कट योर टॉक, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपकी बात को काटेगा, आपसे मैं बेहतर जानता हूं, हमारी सिटी में ये है, मुझे ये सब मालूम है, मैंने 3 कंपनी में काम किया है, आपकी बात को काटेगा। और कोई भी प्रोस्पेक्ट को बात काटने में बहुत मजा आती है, काटने दो उसको, लेकिन एक मोड देना पॉजिटिव, वो मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट टू व्यू ऑब्जेक्शन, उसको ऑब्जेक्शन देने में इंटरेस्ट है, अगर ये प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं मिला तो, अगर मेरे को 1 लाख नहीं मिला तो, देखो ध्यान रखना, प्रोस्पेक्ट को इंटरेस्ट है, मालूम नहीं ये बिजनेस क्या है, मालूम नहीं है मेरी जिंदगी में बिजनेस कितना बदलाव लाता है, तब तक वो बातें चलती रहेगी, लेकिन ये बात तो आपको सुनना पड़ेगा। आई एम स्मार्ट मोर देन यू, आपसे मैं ज्यादा होशियार हूं, आई डोंट नीड, मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग आए तो मैं ठीक है, मैं बात करता हूं, वरना और कोई होता तो मैं खड़ा होकर निकाल देता हूं, होता है कि नहीं होता है? कब? उसको जब तक मालूम नहीं है कि आप क्या लेके आए हो, आप गोल्ड लेके आए हो, वो 25 रुपए में लोहे की कीमत पे मांगेगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ये गोल्ड है, जब मालूम पड़ेगा कि गोल्ड है तो उसका 50,000 देगा, लेकिन ये मालूम करने की जिम्मेदारी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर जीटीएस जूम प्लान एंड ग्रुप प्लान 1-to-1 प्लान, गेस्ट मेंटालिटी ध्यान रखना। मैं सिंपल एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी प्लान कंप्लीट होने के बाद कोई भी गेस्ट ये सोचता है काम तो करने लाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो, मेरा 10,000 वापिस नहीं आया तो, प्रोडक्ट नहीं बिका तो, 2 नहीं बना तो,
प्रोस्पेक्ट कोई भी मीटिंग के बाद ध्यान रखना 20% एग्जाम्पल पॉजिटिव होता है। एक प्रोस्पेक्ट 20%, एक 40%, एक 50%, एक 60%, एक 80%, एक 100%, 10 प्रोस्पेक्ट में से एक क्लोजिंग ऑन द स्पॉट मिलेगा। ध्यान रखना, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टॉपिक चल रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक गेस्ट प्लान अटेंड कर लिया, उसके बाद पॉजिटिव हुआ, कितना प्रतिशत? 20%। उसके दिमाग में चार सवाल है, अगर ये कंपनी नहीं चला तो मैं नहीं कर पाऊंगा तो। अब जानते, चार सवाल है, पांच सवाल है। हम क्या करते हैं, हम एक प्रोस्पेक्ट को जूम पे बिठाने के बाद वो घर पे चले जाते हैं, वो जूम कंप्लीट हो गया उसके बाद कॉल करते हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा, फॉर्म भरने के लिए आओ। लोग नहीं, मैं सोच के बताऊंगा। वो 20% पॉजिटिव हुआ, वो सोचेगा क्या? दो नहीं बना तो, प्रोडक्ट नहीं बिका तो आस्ते आस्ते करके वो 100% नेगेटिव हो जाता है। उस जगह पे वो 20% जो लोग बंदा पॉजिटिव हुआ है, उसके घर पे आप 5 बजे चले गए, जिस तरह से मैंने बताया उतना टाइम लिया और चले गए, उसके दिमाग में पहला ये सवाल है, एक ऑब्जेक्शन है उसकी लाइफ के रिलेटेड, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपने क्लोज किया, सर इस बिजनेस में शुरुआत में ज्यादा टाइम की जरूरत, आपने क्लोजिंग किया, जो क्लोजिंग में आगे बताता हूं, तो वो आस्ते आस्ते 20% और पॉजिटिव हुआ, और उसके दिमाग में सवाल है, सब ठीक है लेकिन सर दो नहीं बना तो, वो आपका जिम्मेदारी रहेगा। देखो, पॉजिटिव होता जा रहा है, और एक ऑब्जेक्शन सॉल्व किया तो 60% हुआ, और एक ऑब्जेक्शन सॉल्व किया 80% हुआ, और एक ऑब्जेक्शन सॉल्व किया 100%। हम गए ही नहीं तो 80% पॉजिटिव वाला बंदा दूसरे दिन 3 कॉल करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, और भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट को 48 आवर्स में आपको उसके घर या तो प्रोडक्ट के लिए या क्लोजिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। नेगेटिव, जितना भी नेगेटिव है उसको जब डिस्कस नहीं करोगे, उसका उसका जो सवाल है उसका जवाब नहीं लोगे, तो वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फोन पे पैसा मांगते हैं, सर मैंने 10 लोगों को बिठाया था, 10 लोग 20% पॉजिटिव हुआ, 10 लोग आस्ते आस्ते 2 दिन निकल गया, 100% नेगेटिव हो गया। सर जूम पे रिजल्ट नहीं हुआ, 1-to-1 में यही बात है, आपने प्लान बताया पॉजिटिव हुआ, उसके पास एक सवाल है, मेरा दो नहीं बनेगा तो, ये मेंबर बनाने का धंधा है, ये स्कीम है, आपने सॉल्व किया, ये मेंबर बनाने का धंधा नहीं, ये बिजनेस है, तो 40% हुआ, और भी बोला मेरे पास टाइम नहीं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो और 60% हुआ, आपने और भी सवाल सॉल्व किया, टीम कैसे बनेगा तो 80% हुआ, बाद में बोलेगा सर मैं काम करता हूं लेकिन आपको मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा। हम क्लोजिंग करने के लिए घर पे जाते नहीं है, पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ लोग फोन पे क्लोजिंग लेते हैं, जिसका नतीजा क्या आता है, 10 में से 1 क्लोजिंग। सब अरे सब ठीक है लेकिन मैं घर पे चले जाऊं लेकिन मुझे सवाल का जवाब मालूम नहीं है, वो बात मैं आगे करने वाला हूं दोस्तों। सो एट द टाइम 3 तरीके का ऑब्जेक्शन को ध्यान रखना, कोई भी बंदा जब ऑब्जेक्शन देगा ना तो 3 में से कोई भी एक ऑब्जेक्शन, सेल्फ कंपनी एंड फैमिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स, जस्ट आई एम टेलिंग यू, मैं काम नहीं करता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरा बॉस परमिशन नहीं देगा, मैं किसी के पास बोल नहीं सकता कि मेरे पास की बात नहीं है, भगवान की दया से बहुत अच्छा सैलरी है, भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसा है। सेल्फ रिलेटेड ऑब्जेक्शन। सेकंड, कंपनी नहीं चली तो, कंपनी बंद हो गई तो, कंपनी पैसा नहीं देगी तो, कंपनी कमीशन कम कर देगी तो, कंपनी रिलेटेड ऑब्जेक्शन। एंड थर्ड, फैमिली ऑब्जेक्शन, मेरा घर वाला मना करेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, मेरी बीवी मना करेगा, मेरा पापा मना पड़ेगा, मेरा फैमिली में ये काम नहीं कर सकता, आज दिन तक किसी ने नहीं किया, मेरा फैमिली ये काम एक्सेप्ट नहीं करेगा, फैमिली रिलेटेड। 3 तरह का ऑब्जेक्शन आएगा, ध्यान रखना दोस्तों। अभी बहुत ही मजे वाली बात में जाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज दैट सेल्फ ऑब्जेक्शन, वो ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्शन कहाँ पे आएगा, जूम के बाद भी आएगा, 1-to-1 के बाद भी आएगा, ग्रुप मीटिंग के बाद भी आएगा। आप किसी को प्रोडक्ट देते हो उसमें भी ऑब्जेक्शन आएगा।
सवाल मेरे पास टाइम नहीं, ध्यान रखना। हम क्या जवाब करते, ठीक है आपको टाइम मिलेगा तब मेरे को बताना, मैं आ जाऊंगा। किसी का फोन आया नहीं। कोई भी जब सवाल आता है तो सबसे पहले उन सवाल को अप्रिशिएट करना है। मेरे पास टाइम नहीं है, सर आपकी बात सही है, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज के समय में आप जैसे लोग बिजी लोग बहुत कम हैं, लेकिन सर ये बिजनेस करने के लिए शुरुआत में ज्यादा कोई टाइम की जरूरत नहीं है। मैंने भी जब स्टार्ट किया ये बिजनेस सभी मैंने शुरुआत के टाइम पे मैंने पार्ट टाइम शुरू किया। और हर सक्सेस लोग, मोस्ट ऑफ सक्सेस लोग पार्ट टाइम करते हैं, टाइम की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना ज्यादातर के प्रोग्राम शाम को 7 बजे के बाद होता है, तो आप आराम से कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। टाइम का टेंशन आप छोड़ दो। पहला ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भी बोला सर बात ठीक है, लेकिन मेरा 5-8 बजे से घर पे आता हूँ, मैं थकान के बाद आता हूँ, संडे के दिन मेरे को सोशल काम रहता है। दूसरा सवाल, यही सवाल में दूसरा पॉइंट दिया तो उसका सिंपल आंसर, सर ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है और आपकी डाउन में आपके ग्रुप में बहुत ही ऐसे लोग आने वाले हैं जिसके पास टाइम है, और वो लोग काम करेगा, आपकी लाइफ बनेगा, आपको बिजनेस बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपको इनकम आएगा, आपका ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं। आप टाइम का टेंशन छोड़, अभी बोलेगा ऐसा है तो आप समझ लेना जो ऑब्जेक्शन देगा वही काम करेगा, ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्शन पे 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा तो समझ लेना वो डायमंड बनने वाला है। जो ऑब्जेक्शन नहीं दिया वो जिंदगी में कभी काम नहीं। ऑब्जेक्शन देता है तो उसको चुम्मा दिल में मान लो, ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटर पक्का, लेकिन आपको एक टेस्ट करता है कि आप में कितना दम है बिजनेस को समझाने की, मुझे बताइए। एक एक सवाल पे 4-4 सवाल रहेगा। पहला बोला क्या, मेरे पास टाइम नहीं है। सर ये सब ठीक है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बता रहा है। सर ये सब ठीक है लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे रहने दो, ये मेरे काम का धंधा नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सर नेक्स्ट आंसर, सर आप जो कुछ भी काम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं और ये बिजनेस मेन पावर का है, और आने वाले फ्यूचर में आपकी टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग बनेंगे, जो एक्टिव लोग लीडर बनेंगे, वो जितना भी काम करेगा उतना घंटा का आपको बेनिफिट मिलेगा। एक दिन में 50 लोग एक एक घंटा भी काम करेगा तो 50 घंटे बनेंगे। आपका टाइम की जरूरत नहीं है ज्यादा शुरुआत में, वर्ड्स याद रखो शुरुआत। अपने आप जिसका 40,000 सैलरी है, 2 लाख पगार आएगा, 2 लाख इनकम आएगा तो नौकरी छोड़ने वाला हमको मालूम है, इसीलिए शुरुआत में टाइम की जरूरत नहीं है। और भी एक सवाल किया, सर ये सब ठीक है लेकिन मुझे रहने दो, मेरे टाइम का बहुत प्रॉब्लम है। लास्ट, जिस लोग के पास ज्यादा काम है वही लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, और मुझे मालूम है मेरे एक दोस्त ने एक गलती नहीं करने का किया था, आज वही ना वही है। एज अ फ्रेंड आपको ये बिजनेस नहीं करने की गलती नहीं करनी। अगर 2 सवाल के बाद बोलता है ऐसा है, अगर सामने से एक आवाज मिली, मैंने बताया सर ये बिजनेस में ये लोगों का बिजनेस है, ये टीम का बिजनेस है, टीम आएगी, टीम काम करेगी, वो वॉल्यूम को बेनिफिट मिलेगा, वो वर्किंग आवर्स का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा ऐसा होता है तो यहां से आगे मत सोचो, सीधा क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ो। सर आपको 10,000 देने का स्टेप बाय, अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है आगे तो ही आगे जाना है, हर जवाब हमको एक साथ देना नहीं है, एक सवाल का 4 जवाब देना जरूरी नहीं है। जब तक वो अपने मुंह से आपको रिस्पांस नहीं देता तब तक ये कंटिन्यू रखना है। उसने बोला अच्छा ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से बात कहता हूँ, अगर किसी ने बोला सर फिर भी मेरे को 8 बजे ऑफिस से आना, सुबह में 8 बजे जाना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे छोड़ो, तो आपने क्या बताया, सर इसे ठीक है लेकिन एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपकी जो टीम बनेगी वो टीम काम करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा, उसके पास शायद टाइम होगा और वही टाइम के हिसाब से आपका बहुत बड़ा वॉल्यूम मिलेगा, इसीलिए आपको इस बिजनेस में टाइम की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा होता है, जवाब दिया तो
समझ लेना क्लोजिंग का टाइम आ गया, उसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता है और लास्ट में इमोशनल टच, सर ये बिजनेस आपके, ये बिजनेस आपके हाथ से निकल जाए वो मैं कभी नहीं चाहता, इसीलिए वो गलती आपको नहीं करनी दूंगा। हुआ क्या, इमोशनल टच करके अपना बना लिया और उसको हाँ बोलना ही पड़ेगा टाइम के लिए। अभी क्या बोलेगा, टाइम का सॉल्यूशन हो गया, चलो ठीक है, लेकिन सर ये बात ठीक है, लेकिन सवाल नंबर दो, मुझे थोड़ा अभ्यास तो करने दो, मैं अभ्यास कर लू बाद में सोच के बताऊंगा। आपको ये सब जवाब मिला होगा वहां पे, देखो मैं थोड़ा अभ्यास कर लू बाद में सोच के बोलूंगा। जवाब क्या करना है, सिंपल, सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको बिजनेस करना है लेकिन थोड़ा अभ्यास करना चाहते। देखो उसने नहीं बोला बिजनेस करना है, मैंने बोला, हमने बोला, सर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बिजनेस करना है लेकिन आप थोड़ा स्टडी करना चाहते हो, लेकिन सर सवाल यह है ये बिजनेस आपके लिए नया है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर स्टडी करने के लिए भी जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। और ये बिजनेस जब हम काम करने के बाद प्रैक्टिकल सेमिनार देखेंगे, जूम प्लान देखेंगे, वन टू वन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये बिजनेस स्टडी करने से समझ में नहीं आएगा। जॉब क्या मिलेगा, देखो वही जॉब मिलेगा, जॉब क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं देख तो लू यार, मेरे को बिजनेस करना है, देखना तो पड़ेगा ना। सर मुझे बहुत खुशी है आप बिजनेस देखना चाहते हैं, ध्यान रखो एक सवाल का दूसरा जवाब, सर ये बिजनेस को समझाने के लिए हमारी टीम और कंपनी और हार्वेस्ट की ओर से बहुत ही बड़ा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होता है, जूम पे भी होता है, उसमें आप अपने आप सीख जाओगे, अभी सीखने के लिए जाओगे तो शायद मालूम नहीं। अच्छा ऐसा है, बोला अच्छा ऐसा है तो समझ लेना क्लोजिंग की बारी आ गई, नहीं लेकिन मैं स्टडी करूंगा तो और भी आगे निकलो। सब लोग बिजनेस में आने के बाद ही सीखते, सर कोई भी बिजनेस करने के बाद सीखने को मिलता है, मैं आज कितने सालों के बाद सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हो बिजनेस करने के लिए। आपको सर आपको क्लोजिंग 10,000 कैश देना, ऑप्शन पैसा नहीं है तो सेल्फ का है, पहली कैश। उसने क्या बोला, अच्छा ऐसा है तो समझ लेना, उसके दिमाग में सॉल्यूशन हो गया। जब तक वो नहीं बोलेगा ऐसा है तो मेरे पास टाइम नहीं, आपको आना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं, आपको आपको वन टू वन में मैं नहीं आऊंगा, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, आपको करना पड़ेगा, मेरी टीम को चलाना पड़ेगा। आपने क्या बोला, कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो हम साथ में। जब उसने बोला कि आपको करना पड़ेगा तो समझ लेना वो डिसऑर्डर पक्का है। अभी उसका दूसरा एक ऑब्जेक्शन था, मेरे पास टाइम नहीं। पहला ऑब्जेक्शन दिया, सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद मैं अभ्यास कर लू तो अभ्यास के बारे में और भी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी। जो लोग, सर एक बात बता दूं मैं आपको, जो फ्रेंड्स मेरे सोचने के लिए गए, वो स्टडी करने के लिए गए, वो आज दिन तक वापस नहीं आए और उसकी कैरियर आज जीरो है, सर वो गलती मैं आपको नहीं करने दी एज ए फ्रेंड। चलो ठीक है, जॉब मिला, क्या बोला प्रॉस्पेक्ट, क्या बोला वही से पूछिए। फिर भी सवाल आया तो हम एक ही सवाल पे और भी बातें कर सकते, सर ज्यादा सोचने वाले बिजनेस नहीं कर पाया क्योंकि इसीलिए एक गलती मैं आपको नहीं करने, वहां से क्लोजिंग। ये मैं सोच के बताऊंगा, उसका पांच ऑब्जेक्शन एक सवाल का देगा, जब दूसरे पे कंप्लीट होता है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, उससे आगे कोई सवाल नहीं है। ये सवाल के बारे में कोई बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा तो उसके लिए भी ब्रह्मास्त्र है, स्टेप बाय स्टेप। अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरा ऑब्जेक्शन दिया, पहला का दिया मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा क्या बोला मैं सोच के बताऊंगा, अभी मैं बताऊ आपको, आज दिन तक आप क्या बोलते थे, कोई प्रश्न के पास गए और बोला तो मैं स्टडी कर लूंगा, स्टडी करके बताता हूं,
तो आपने क्या बोला, ठीक है मेरे को फोन करना, ये पैम्फलेट देता हूँ, ये बुक देता हूँ। बाद में जॉब क्या मिला, बुक में से वो चीज निकाला वो जो उसको नेगेटिव टॉक करने में सपोर्ट मिले। सर ये लिखा है इसमें कीमत तो नहीं लिखा प्रोडक्ट का। सर ये सर्टिफिकेट कब दिया था, किसने दिया था, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, उसका सवाल का जवाब नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं है, उसका माइंड में वो क्लियर नहीं हुआ, मुझे स्टडी करना पड़ेगा, वो क्लियर नहीं हुआ, हमने गलत एक्शन लिया, उसको बुक दे दिया, उसको ब्रोचर दे दिया, उसको पेनड्राइव दे दिया। क्यों क्लोजिंग नहीं होता, ये पूरा क्लियर सवाल का जवाब मिला। एक बंदा चार सवाल, तीन सवाल, दो सवाल कर सकता है, मैं आपको 20 सवाल का जवाब देता हूं, उसमें से कोई ना कोई सवाल आएगा, हो सकता है। नेक्स्ट, सर मैं लेट पड़ गया, पहले ज्वाइन हो गया उसमें क्या सीनियर लोग ही कमाते, बाकी हमको तो मजदूरी करनी पड़ती, ये जॉब भी आपको कहीं मिला होगा, पहले ज्वाइन हो गया तो अच्छा होता। मैं ऑर्डिनरी एक्चुअली बता दूं, अभी इस टाइम पे हमें जॉब क्या करना है। सर मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन आपकी सोच ये है आप पहले ज्वाइन हो गया होता तो अच्छा होता। रियल में सर ऐसा नहीं, जो लोग पहले ज्वाइन बिजनेस में आए उस उनके लिए इतना प्रोडक्ट्स नहीं था, उतना रेंज नहीं था, उतना रिजल्ट नहीं था, गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था, वो लोग बिजनेस नहीं कर पाए। बिल्कुल बिजनेस करने का प्रॉपर टाइम है, अब बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे नहीं। ये सवाल का पहला आंसर, ये सब ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि पूरा मार्केट कवर हो गया ना, मैं बाकी देख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, मैं कहाँ जाऊँगा, ऐसा भी सवाल करेगा। सिंपल सर, अगर आप पहले आए होते तो शायद इस बिजनेस में नहीं टिकते, आप नसीब वाले हैं, क्योंकि कंपनी का आज पूरा सिस्टम बना है, अभी बिजनेस की शुरुआत है, अभी बिजनेस का बिल्कुल फाउंडेशन ही चल रहा है, आप लेट नहीं। हाँ आप पहले आए होते तो बहुत ही लोग निकल गए, क्यों, प्रोडक्ट नहीं था, इतना रेंज नहीं था, रिजल्ट नहीं था, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी, अब बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा ऐसा है, बात क्लोज करो, सिंपल फॉर्म का डिटेल लो और सिंपल मांगो, सर आपको 10,000 रुपये देने का। एक सवाल और भी कर लो, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते ना तो उसको ये मत बोलो कि आप पैन कार्ड का जेरोक्स दो, आप अपना चेक का जेरोक्स दो, आधार कार्ड का जेरोक्स दो। सिंपल पैसा लेने के बाद ये पहले, जब हम पहले मांगेंगे ना तो केस लेंदी बनेगा, सिंपल बोलो सर आपको 10,000 रुपए देंगे। पैसा लिया तो सर काम करूंगा, आपके मोबाइल में आपका फोटो कॉपी चेक का मिलेगा, हाँ मैं लगा देता हूँ, बाद में मांगो। देखो कोई बैंक का फोन आता है, वो लोग ट्रेन कर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो चीज मांगना है ना वो बाद में मांगते हैं, पहले इंपोर्टेंट चीज पे फोकस करते हैं। तो हमारा इंपोर्टेंट चीज क्या है, अगर ये सवाल पे उसने बोला पहले ज्वाइन हो गए तो अच्छा होता, आपने क्लियर जवाब दे दिया, तो उसके बाद तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, देखते हैं, सोचते हैं, या तो कोई भी और सवाल किया, तो ये सवाल क्लोज हो गया तो उसको आगे बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्लोजिंग की ओर चले गए। और भी जवाब, और भी सवाल आया, इस तरह आज शुरू करने वाले पुराने लोग से आगे जा सकते हैं। वॉल्यूम का बिजनेस है, हो सकता है आज से 5 साल पहले आया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर है, आप डायमंड बन सकते हो 5 साल में, क्योंकि वॉल्यूम राउंड किया जाता है। अच्छा ऐसा है, उसको मालूम नहीं है मैं लेट हूं, वो सोचता है, लेकिन उसको मालूम नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, जब इस बिजनेस में कोई आएगा वो परफेक्ट टाइम पे आएगा। सवाल परफेक्ट टाइम नहीं है, सवाल किस तरह से काम करते हैं वो हमारी बात है, परस्पर की बात करने की जरूरत नहीं है। परस्पर को इतना बोलना, आज शुरू करने वाले पुराने लोग से भी आगे जा सकते, ये बिजनेस सर वॉल्यूम का है जो आपने प्लान देखा। फिर भी सवाल किया, नहीं लेकिन मैं पहले आ गया होता तो ही मुझे काम करने की इच्छा थी, अभी इच्छा नहीं है, और भी सवाल किए उसके बारे में। 1-2 साल में डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से आते हैं, दैट मींस व्हाट, सर 1 साल बाद यहाँ पे GTS होने वाला है और आपका डिस्ट्रीब्यूटर लोग उसमें, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना, आपका गेस्ट लोग उसमें बैठने वाला है, 2 साल के बाद प्लान होने वाला है, 3 साल के बाद प्लान होने वाला है, 3 साल के बाद एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, वो BNTC बनेगा, वो आपकी डाउन में।
आप है ना प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि 3 साल पहले भी प्लान होता था, 2 साल पहले भी होता था, 4 साल पहले भी होता था, 5 साल पहले भी होता था, 5 साल बाद भी प्लान होगा, अब बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे। अच्छा ऐसा है, क्लोज करो। अगर और भी सवाल आया, पहले ज्वाइन होने वाले शायद सब लोग सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि बिजनेस की अच्छी शुरुआत अभी हो रही है, इसीलिए आपको आपके हाथ से बिजनेस निकल जाए कि मैं नहीं चाहता और वो काम मैं आपको नहीं करने दूंगा। सर आपको डेजर्ट कैसे? अच्छा मैं आपको एक सवाल, अगर आपके पास किसी ने ऐसा किया कि मैं लेट पड़ गया हूँ तो आपने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं अभी तो मार्केट बहुत खाली है, ये जवाब नहीं है। अभी तो मार्केट बहुत खाली है, ये जवाब नहीं है। जवाब यही है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों मैं प्रॉपर टाइम पे हूं, उसका सही आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद और एक सवाल आता है, सब लोग बड़ा रेडी होके बैठ गए अभी पैसे के बारे में, क्योंकि ये सवाल सबके लिए कॉमन है। मेरी पास पैसा नहीं, तो हम क्या करते? कोई बात नहीं, पैसा आएगा तो मेरे को फोन करना, मैं आकर ले जाऊंगा। कोई आया पैसा देने के लिए? कोई नहीं है। जब भी कोई बंदा पूछता है ना, तो उसको सिंपल जवाब करना, सर मुझे बहुत आनंद इस बात का है कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन थोड़ा पैसा का सेटलमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है। लेकिन सर मैं रियल में बता रहा, इस बिजनेस के लिए आपको कंपनी को 1 रुपया देना नहीं है, ध्यान रखो। मेरे पास पैसा नहीं है, इस बिजनेस के लिए आपको कंपनी को 1 रुपया देना नहीं है। कंपनी रजिस्ट्रेशन फ्री करती है, लेकिन अलग अलग तरीके की इनकम लेने के लिए एक बार 10,000 का प्रोडक्ट, वो भी हमारे घर में हम यूज कर सकते। आप सुबह में उठ के हमको क्या करते हैं? टूथपेस्ट, नाते, शैम्पू, साबुन, बस वही चीज हमारे घर में जो यूज करते हैं, वही चीज हमको सिर्फ हमारे खुद के लिए 10,000 का प्रोडक्ट लेना है। कंपनी पैसा नहीं लेती, जो आप बाहर से लेते हो वही चीज इधर से लेना है। अच्छा फिर भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ एक बार सेट करना है, 1 हफ्ते में माल सेल कर दो मार्केट में, ब्रांडेबल माल है, ब्रांड है, आयुष प्रीमियम माल का प्रोडक्ट है उसमें, तो आपको 10 की जगह 12 वापस आ गया, 1 भी रुपये की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा है, लेकिन सर मुझे अभी 10,000 तो देना पड़ेगा ना। हाँ कोई बात नहीं, आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, 1 हफ्ते के लिए तो आपको मैनेज करना है, माल हम मार्केट में सेल कर देंगे अगर पैसा नहीं है। ऐसा है, अगर देखो जब भी आप किसी को बोलते हैं कि आपको 10,000 देने का, तो उसका दिमाग काम पे लग जाता है। सिंपल बना दो, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई चार्ज नहीं है। देखो यहां पे स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है, ये बात सही है, लेकिन अभी मेरे को सर पैसे का प्रॉब्लम है, थोड़ा हॉस्पिटल का एक्सपेंसिस आ गया, ये है वो है, तो उसको सिंपल। नेक्स्ट, सर आप जैसे बहुत ही लोग थे, मेरा भी ये हाल था, लेकिन एक बार मैंने बंदोबस्त कर दिया, आज महीने का 10-20-25 सैलरी का इनकम। और जितने लोग सक्सेस हुए उसके पास, आपका आपका तो कंडीशन बहुत अच्छा है, लेकिन जितने लोग सक्सेस हुए उसके पास आईडी का भी पैसा नहीं था, तो मुझे मालूम है आपके लिए छुड़ा रहता हूँ मैं, आप आराम से कर पाओगे। बात क्लोज, वो दिमाग लगाएगा, उसके बाद दिमाग लगाना शुरू करेगा, मैं पैसा कैसे दू, बैंक से, सेल्फ का चेक, घर में से, कब बोलेगा? जब ये चीज उसके दिमाग में आप फीड करोगे। फिर भी बोला पैसा नहीं है, सर हम जीवन जरूरत की जो चीज है वो बाहर से खरीदते, वो अंदर से खरीदना, सिर्फ एक बार परचेस करने से 1 करोड़ लाखों रुपए की कैरियर मिलती है, तो मेरे हिसाब से 100% लेना चाहिए। पूछो, उसके मुंह से निकालो आवाज, लेना चाहिए, क्लोजिंग नहीं, क्वेश्चन मार्क लेना चाहिए। हाँ वो बात तो आपकी सही है, बस वो ही करना है, आपको 10,000 देने। फिर भी आगे निकला, सर अभी मेरे को प्रॉब्लम है पैसे का, तो आप बोल सकते हो सिंपल,
सर जिस बिजनेस मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का जो बिजनेस का क्वालिटी है, जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से 10,000 रुपया कुछ नहीं है, और मुझे पक्का भरोसा है आप 100% मैनेज कर सकते हो, आपको 10,000। फिर भी सवाल है, हम और भी आगे बढ़ते हैं। सामान्य बिजनेस करने वाले आज बहुत बड़ी पूंजी लगाते हैं। एक छोटा बिजनेस करने में सर लाखों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों ने गवाया, वो आज पछता रहा है, वो पछतावा फ्यूचर में आपको नहीं हुए, इसीलिए मैं ये गलती आपको नहीं करनी। क्लोज पैसे ना, उसके बाद वो नहीं बोल सकेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी बोला तो मैंने जो अभी बताया आपका परिवार के लिए अभी लास्ट इमोशनल टच। मुझे सर इतना पक्का भरोसा है कि आपका फैमिली की खुशी के लिए, आपका बच्चे के लिए, आपका परिवार के लिए आप 100% एक बार ये सेटलमेंट करके आपकी लाइफ बना सकते हो। तो ये लाइफ 100% हमको बनाना है, और नहीं बनाने की गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा। आपको 10 देने का कोई बंदा ऐसा नहीं है इतनी बातें के बाद। हाँ, उसके बाद हम मैं अभी डीप पे नहीं जा सकता, आप खेती करते हो, ये करना पड़ता है, उसके साथ एग्जांपल मैच करना, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जाना, ये नहीं बोलना बहुत लोग क्या ऐसा नहीं है तो हम क्या करते, कोई बात नहीं, काम करो ना, हमको 500 रुपया टोकन दो, 500 रुपया लेके गया, वो 500 गया, वो मीटिंग में नहीं आएगा, फोन बंद कर देगा, पैसा नहीं, बाद में फोन करना, मैं आके ले जाऊंगा, मेरा ये दिवेला बिकेगा, मेरा ये खेती वाली का बिकेगा, मेरा ये आएगा, उसमें बाद में आपको दूंगा, ये लोन मिलेगा, वो लोन से हमें कोई लेना देना नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शेयर करेगा तब पैसा आएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अभी लेना है और इस तरह से लेना। देखो आपने कितना कहां पे गलती किया था। सो कहने का मेरा मतलब, पैसा देने के लिए लोग रेडी है, लेकिन लेने वाला चाहिए, क्लोजिंग करने वाला नहीं है, क्लोजिंग देने वाला बहुत ही लोग है। मार्केट में लोग क्या बोलते उसे लेने देना नहीं है, हम क्या करते, हमने किस तरह से क्लोजिंग किया, हमने किस तरह से बातें बताया, हमने किस तरह से उसको क्लोजिंग की ओर लेके गया, वो इंपॉर्टेंट मैटर। अगर क्लोजिंग नहीं होता तो समझ लेना हमारी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इतना बड़ा कैरियर हम बताते हैं तो नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देने का, मनी में, मनी में मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स बताया, 7 पॉइंट्स तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती तो टैप बाय टैप हम आगे निकलते, उसका दिमाग 100% क्लियर होगा। मेरे एक दोस्त ने गलती किया था, दोस्त आज 15,000-20,000 का नौकरी कर रहा है, शायद उसके साथ में जो लोग इस बिजनेस में आए वो आज महीने का 25,000-50,000, 2,00,000, 5,00,000 जो सकती है वही बताना ये कमा रहे, वो गलती में आपको नहीं करने दूंगा। उसका खुद का बन जाने का, वो गलती में आपको नहीं करने दूंगा, एज अ फ्रेंड्स, एज अ रिलेटिव 100% क्लोजिंग। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये भी सवाल आता है। ये लोगों के पास भीख ना मांगने का धंधा मैं क्यों करूं। सर सबसे पहला मुझे खुशी इस बात की है, बहुत ही कम के लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये बताते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत ही कम के लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये बताते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सर मुझे एक बात आपकी मालूम है, पैसे वाले लोग को क्या चाहिए। मैं जरा अपने डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लूँ, पैसे वाले लोग को हम बोलेगा कि तू पैसा कमाएगा तो मुझे कमाना नहीं है, लेकिन पैसे वाले को इज्जत बहुत प्यारी होती है। सर मुझे बहुत खुशी है कि आपके पास बहुत पैसा है, और बहुत कम के लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सर एक बात तो मुझे पक्का भरोसा है कि आपके हिसाब से, आपके एक इशारे से, आपके एक निर्णय से, आपके ग्रुप में 25-50 लोग की जिंदगी बनती है तो आप 100% बजटेड डिसीजन लोगे, वो मुझे भरोसा है। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, वो कैसे जो जॉब आया वो कैसे,
सर आपके ग्रुप में 25-50 लोग ऐसे हैं जो लोग को जिंदगी जीने के लिए महीने 15-20-25-50 की जरूरत है, आपका एक इशारा काफी है। वो कैसे बोला, बस एक आपका आईडी की जरूरत है। सबसे पहले आपके आईडी के डाउन में पूरा हमें टीम जनरेट करनी, पहले आपका आईडी की जरूरत, आगे मत बोलो, आपका आईडी की जरूरत है। वो कैसे, बाद में आपको बताऊंगा। सिंपल, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि आप अवश्य चाहोगी कि आपके डाउन में बहुत ही लोग की जिंदगी, बहुत ही लोगों की जिंदगी बनती है, तो आप 100% पॉजिटिव डिसीजन लोगे। देखो इमोशनल टच और लोगों की भलाई, अभी हम उसको नहीं बोल सकते तू करोड़पति बनेगा, मैं करोड़पति हूं, ये सब ठीक है, लेकिन मैं देखूंगा, सोचूंगा। क्या सवाल, जो सवाल बोलता है उसका ऑब्जेक्शन, अगर वही सवाल में आ गया है, ये सब ठीक है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। सर ये बिजनेस ग्रुप का है और ग्रुप को जो, और ग्रुप को भी इनकम मिलेगा और वो आपका एक आईडी जनरेट करना है और ये आईडी में परमानेंट इनकम रहेगा। हम फुल टाइम काम करते हैं, सिर्फ आपका एक सपोर्ट चाहिए और आपके नाम से बहुत ही लोग अपनी जिंदगी बनाएगा और हमें आशीर्वाद देगा। तो मैं चाहता हूँ आप अवश्य बोल सकते, जिसकी पास बहुत पैसा है उसको इज्जत पे ले जाइए। अरे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ये करते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास जाते ही नहीं। आपको मालूम है जो बहुत पैसा वही काम करता है, वहां से नहीं रुके, अभी और भी आगे निकले तो हम और भी उसका ऑब्जेक्शन सॉल्व कर सकते। सर इस बिजनेस में पैसे के साथ बहुत कुछ है और जो बिजनेस करता बहुत पैसा बोलता है ना, उसके पास या तो मनी फ्रीडम नहीं है या तो अच्छी हेल्थ नहीं होगी, कोई ना कोई चीज 90% लोग गवा चुके हैं। हमको क्या इमोशनल देना है, उसको अच्छी चीज क्या लगेगी, ये चीज अच्छी लगेगी। सर इस बिजनेस के साथ बहुत कुछ है, मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, नया सीख है, नया ग्रुप है और आपका हमको, आपका एक्सपीरियंस का और आपकी सफलता का बेनिफिट हमको मिलेगा और आपके ग्रुप को भी मिलेगा। इसीलिए मैं 100% आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना के ही रहूंगा, आपका आईडी डालना है। चलो ठीक है, तेरे इतना मर्जी है तो कर ले, ठीक है मैं सोचूंगा, लेकिन मैं नहीं आऊंगा इसकी बात से हम एग्री होते, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं सर, सुन के बैठे करके अगर टाइम मिला तो, हमको ना नहीं बोलने का लेकिन उसका ऑप्शन दे देने का। 100% करोड़ रुपया वाले लोग, करोड़पति भी इस बिजनेस में शामिल हो गए क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम नहीं है, नया सीख नहीं है, नया ग्रुप नहीं है, लाइफ जीने का नॉलेज नहीं है, ये सब चीज यहां मिलती है, उस पर हम क्लिक करना। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे उम्मीद है कि आप ग्रुप के लिए अच्छा ही सोचोगे, अभी उसके पास कोई चारा नहीं बचा, नहीं लिया उसका मतलब ग्रुप के पास हम गलत सोचते हैं। क्या बोला हमने, मुझे उम्मीद है कि आप ग्रुप के लिए अच्छा ही सोचोगे, अगर वो ज्वाइनिंग नहीं लेता तो उसको फीलिंग क्या है, मैं ग्रुप का खराब सोचता हूं, वो चीज उसके दिमाग में चली गई तो आपको डिजर्व करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सर अच्छी तनख्वाह मिलती है भगवान की दया से, जब मांगने की भीख मांगने की जरूरत नहीं, ये लोगों के घर जाके क्या कौन जाता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, उसको कैसे हैंडल करना है? हम क्या करते हैं, बैग लेके वापिस, सर कोई वही तो हमने बताओ जो जान बोला बकरा लेवा निकले वही भी थे, कोई वही तो हमने कह जो भी जाता हमारे ग्रुप में आज दिन तक एक भी क्लोजिंग नहीं आया, उसको ही लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। सर मुझे बहुत खुशी की बात यह है कि आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है और अच्छी तनख्वाह, ये बोलने वाला लोग बहुत कमती होते हैं, लेकिन ये बात भी सही। देखो पुराना जो ऑब्जेक्शन के रिलेटेड है, जो अभी है मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह और पैसा, बिजनेसमैन और सैलरी पर्सन, उसमें डिफरेंट है, मैं कुछ पॉइंट डिफरेंट बताऊंगा, दोनों के पास एक ही बात चलेगी तो धंधा नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं होगा। तनख्वाह अच्छी मिलती है, मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर मुझे बहुत खुशी है कि आपको बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये भी साथ साथ की पक्का मुझे भरोसा है आपको जरूरत नहीं है। और बहुत लक्की लोग होते हैं, कुछ बहुत मेहनती लोग होते हैं जिसको इस लेवल मिलता है जो लेवल पे आप हो,
लेकिन सर आपके ग्रुप में, आपके सर्कल में, आपके रिलेटिव में बहुत ही लोग ऐसे हैं जिसकी तनख्वाह अच्छी नहीं है, जिसको नौकरी नहीं है। अगर आपकी एक, आपका एक डिसीजन, आपका एक निर्णय के हिसाब से उन सभी लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है, तो मेरे हिसाब से मुझे पक्का भरोसा है आप वो निर्णय अवश्य पॉजिटिव हो। वो कंफ्यूजन में आ गया, वो क्या बोल रहा है, मेरे निर्णय से मेरे फैमिली वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे रिलेटिव सब लोग का अच्छा होता है। हाँ सर, आपका एक गाड़ी डाल दिया, उसके बाद उन लोगों को डेवलप करना है, वो सब आपकी बिजनेस पार्टनर बनेगा, आपके डाउन में आएगा, वो काम करेगा, उसको परमानेंट रोल आपको मिलेगा, लेकिन आपका आईडी के मिला वो पॉसिबल नहीं है आपका रिलेटिव। और आपका रिलेटिव को जरूरत है वो बात भी पक्की है, आप तो बता रहे, आपने बताया। तो सर मुझे उम्मीद है कि अपने रिलेटिव के लिए आप पॉजिटिव ही सोचोगे, सिर्फ आपको 10,000 चाहिए। देखो मेरे पास अच्छा सैलरी है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए फर्स्ट आपका एक निर्णय के हिसाब से बहुत ही लोगों के घर पे खुशी आ सकती है, तो मुझे उम्मीद है आप 100% वो डिसीजन लोगे। ये अपने खुद का बिजनेस है। देखो जो लोग नौकरी करते हैं, मैंने ये सेंटेंस कहाँ क्यों लिया, जो लोग नौकरी करते हैं ना वो नौकरी से टायर्ड हो जाते हैं आज की कंडीशन से 90%। तो दूसरा पंच कहाँ पे मारा सर, ये अपने खुद का बिजनेस है, हम जो काम कर रहे हैं सर वो हमारा कोई बॉस नहीं है। नौकरी वालों को क्या परेशान करते हैं, उसको बोलने की जरूरत है आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, नहीं उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम बोल सकते सर एक खुद का बिजनेस है, हम खुद का बॉस, हम खुद छुट्टी ले सकते हैं, खुद अपनी अपनी तरह से जिंदगी जी सकते हैं। वो बात ज्यादा किसको पंच करेगी, नौकरी करने वाले को। तो ये सेंटेंस यही पे यूज कीजिए। उसके आगे और भी जरूरत पड़ा सर, ऐसे लोग हम ऐसे ही हम 8 घंटे जो काम करते हैं वो इनकम मिलती है, और ये बिजनेस ग्रुप का है, आने वाले दिन में 8 की जगह पे 16, 16 की जगह पे 32 घंटे का, 100 घंटे का, 200 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है, और लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है, और उसमें नॉमिनी फैसिलिटी है, आने वाले अपनी पीढ़ी भी ये बिजनेस कर सकती है, शायद नौकरी में चांस नहीं मिलता। उसको क्या पंच करना है, बिजनेसमैन का पंच अलग है, अच्छा सैलरी वाले का पंच अलग है। सर एक ग्रुप का बिजनेस है, और उसके पास जो नौकरी करता है उसके पास ग्रुप नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जो लोग नौकरी करते हैं उसके आसपास में देखो उसके पास ग्रुप कम होगा, क्योंकि उससे एक छोटी सोच के हिसाब से बड़ा ग्रुप नहीं बन सकता, और बिजनेसमैन ग्रुप अच्छा होता है, तो उसके पास ग्रुप नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड किया सर, ये ग्रुप का बिजनेस है इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी का गुण डेवलप होते हैं, और जिंदगी जीने का तरीका यहाँ से सीखने को मिलता है। इसीलिए ये बिजनेस मैं यही चाहता हूँ कि आपको 100% ये बिजनेस देना है, और अवश्य सोचोगे पॉजिटिव वो भी मुझे। हमने क्लोज कर दिया, उसने नहीं बोला मैं 100% सोचूंगा, क्लोज हम खुद करो। सर क्या आप दूसरे की भलाई नहीं सोचोगे, अरे दूसरे लोग बाढ़ में गए मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसा नहीं देना, ये मत बोलो दूसरे लोग के लिए सोचोगे। सर मुझे उम्मीद है आप दूसरे लोग के लिए 100% अपने दोस्त के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए, अपने रिलेटिव के लिए पॉजिटिव ही सोचोगे, मुझे पक्का भरोसा है सर। और आपका एक आईडी के हिसाब से उन लोगों की जिंदगी बदलती है। अगर मैंने उसको पूछा सर आप अपने गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचोगे, अरे लोग बाढ़ में गए मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई अपना नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारे पैर पे कुहाड़ा मारो, उसको बोलने का मौका मत दो, उससे पहले क्लोजिंग कर लो। क्लोजिंग स्पीच हमारे स्पीच में होना चाहिए, उसके पास से क्लोजिंग नहीं लेना। मैंने क्या क्या लिखा देखो, सर ये ग्रुप का बिजनेस है इसीलिए लीडरशिप गुण डेवलप होते हैं, एक क्वालिटी डेवलप होते हैं, और खुद का खुद के लिए हो सकते हैं, खुद के लिए एक डेवलपमेंट हो सकते हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है 100% आप करोगे, और मैं आपको 100% बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने वाला हूं, और आप अवश्य पॉजिटिव सोचोगे वो मुझे पक्का मालूम, उसके पास कोई चारा ही नहीं। मैंने जो बोला उसमें से आप
1% भी कर लिया, 1 पॉइंट्स पर काम कर लिया, तो आपका क्लोजिंग पक्का हो जाएगा। अगर आज दिन तक आप सभी लोगों ने किसी ने बोला है बॉस मेरा 1.5 लाख रुपया सैलरी है, ऐसे भीख मांगने का धंधा मुझे नहीं करना है, ये मेरे बस की बात नहीं है, लैपटॉप बंद करो और आगे जाओ, अगर चाहिए तो 10,000 ले जाओ, मैं काम नहीं करूँगा, तो आप क्या बोलते हैं? ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम जाते हैं। क्लोजिंग नहीं हो, भगवान की दया से मुझे बहुत ही अच्छा सैलरी है, सब भीख मांगने का धंधा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहां पे मोड़ दिया सर, मुझे खुशी की बात यह है कि आपका बहुत अच्छा सैलरी है और मुझे पक्का ये भरोसा है कि अगर आपका एक इशारे से, आपका एक निर्णय से, आपको पैसे की जरूरत नहीं है सर, आपका सैलरी अच्छा है, बहुत बढ़िया सैलरी है, बहुत कमती लोगों को होता है, लेकिन आपका एक निर्णय से आपके ग्रुप में 25 लोगों की जिंदगी बदलती है, तो आप 100% पॉजिटिव निर्णय लोगे, वो मुझे पक्का भरोसा है। नहीं है तो सही है, लोगों के भलाई होती है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, बस आईडी लो। और भी सवाल आया तो, जो कर्मचारी को जो जरूरत है कंपनी और टीम का एजुकेशन सिस्टम, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको क्या प्रॉब्लम है? मेरी नौकरी अच्छी है, मेरी पास टाइम नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा? तो वहां भी पंच कर दिया क्लोजिंग में सपोर्ट करने के लिए, कंपनी सर कंपनी और टीम के लिए एजुकेशन सिस्टम चलता है, आपकी जो टीम बनेगी वो अपने ग्रुप में सिस्टम में ट्रेन होगी, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना जूम सेमिनार होता है, प्रोडक्ट सेमिनार होता है, हार्वेस्ट सेमिनार होता है, आप लोग घर बैठे बैठे वीडियोस देख सकते हैं, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसका टेंशन क्या है? मैं 1.5 लाख पगार लेके बैग लेके निकलूंगा, तू मुझे 10,000 दे, वो आज मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, आने के बाद मानेगा, लेकिन आज मानने के लिए रेडी नहीं है। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, उसको पैसा देना ही पड़ेगा। और हम सिंपल बोलेंगे सर 10,000 रुपया आपको बाद में डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट सवाल, मुझे बिजनेस करने में संकोच ज्यादा है, ये मेरे बस की बात नहीं है सर, मुझे खुशी की बात यह है कि आपको बिजनेस करना है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम संकोच का है। सर संकोच और शर्म एक स्पेशल मानसिक विषय, आप जैसा कंडीशन मेरा था, मैं भी बात नहीं कर पाता, मुझे भी बहुत शर्म आता था, लेकिन उसमें से बाहर निकलने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही बाहर निकल सकती है। आज मेरा शौक बन गया, आपका भी शौक बन जाएगा, मैं आपके साथ हूं, क्लोज क्लोज, वो टेंशन आप छोड़ दो, आपको 10,000 देने का। देखो उसका जवाब, हाँ एक साथ देखो, वो जॉब जो मैंने बोला वो कितनी आसानी से बता दिया। मुझे भी पहले सर ऐसा लगता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और शर्म और संकोच एक मान्यता है सर, हकीकत में वो प्रैक्टिस करने से अपने आप निकल जाती है, और बहुत ही लोगों को शुरुआत में ऐसा लगता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए हम कैरियर क्यों गवाए अपना? जो लोग सक्सेस हुए उसको भी शर्म आता था, आप जिसे शर्म और संकोच समझते हैं वही बिजनेस का सबसे बड़ा सफलता का श्रेष्ठ मार्ग है, और सफलता यही सिखा रही है कि शर्म संकोच से पार निकले। मेरा भी आप जैसा कंडीशन था, हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, आप टेंशन छोड़ो सर, आपको 10,000 देने का। और भी सवाल तो नहीं, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है वो मैं आपको, आपकी शर्म और संकोच शब्द मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको आगे बढ़ने में रोकती है, वो गलती मैं एज अ फ्रेंड और एक शर्म संकोच के हिसाब से आपकी कैरियर पे मैं दाव नहीं लगा दूंगा, तो 100% मैं आपको उसमें आगे ले जाऊंगा, आपको 10,000। क्लोजिंग। नेक्स्ट सवाल, मैं लोगों के पास ये बोल नहीं सकता, सही बात है, मैं लोगों को बता नहीं सकता, मैं गांव का मुखी हूँ, गांव का सरपंच हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं तालुका में हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मैं ये हूँ, मैं लोगों के पास से बोल नहीं सकता। सिंपल उसका जवाब, खुशी की बात है आपको बिजनेस करना है, लेकिन थोड़ा बोलना सीखना चाहते हो सर, इस बिजनेस में कोई भी बंदा जब नया आता है तो बोल नहीं सकता, और एक बार हमारी कंपनी की और टीम की सिस्टम में सीखने के बाद वो अच्छी तरह से बोल सकता है, वो आगे जा सकता है, और हर लोग उस तरह से ही सक्सेस हुए हैं, और आप भी सक्सेस हो जाओगे, मैं आपके साथ में, आपको 10,000 देंगे। देखो उसका जवाब,
पॉइंट नंबर वन, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, उसके साथ बैठ जाओ, मेरा भी ये प्रॉब्लम है, सिंपल बना दो। बहुत बहुत तो का ये प्रॉब्लम था, लेकिन सब लोग प्रैक्टिस करने के बाद सीख गए। और भी सवाल आया तो बोलना ये बात प्रैक्टिकल है, और ये बात प्रैक्टिकल के बाद ही सीखी जाती है। देखो मुझे लोगों को बोलना अच्छा नहीं लगता, देखो मुझे लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता, उसका ये जवाब है। बोलना ये बात प्रैक्टिकल है, और शुरू में कोई भी सीख के नहीं आते सर, सब बात प्रैक्टिस के बाद सीखते हैं। बोलने की कला अनुभव से मिलती है, आज मेरा शौक बन गया। सबसे पहले जब शुरुआत में मैं आया तो मेरा भी हाल था, आप भी सीख जाओगे, मैं आपके साथ हूँ, आपको दर्शन दे रहे। फिर भी सवाल आया तो किसी ने ट्राई नहीं किया सर ये चीज के लिए। अगर कोई भी बंदा, हर लोग जिंदगी में एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, लता मंगेशकर ने जब पहला गीत गाया था, एक दिन पहला था, कोई भी एक गीत तो पहला था, कोई भी डांसर का एक डांस तो पहला था, सब लोग सीखते हैं ना सर, और मैं भी सिखाऊं, मैं आपके साथ हूं। सिंपल क्लोजिंग, जिसने ट्राई नहीं किया तो कभी बोलना नहीं सीख सकते, और आप में तो वो कला जल्दी आ सकती है क्योंकि आप में वो क्वालिटी है, और मैं आपके साथ हूँ। सिंपल क्लोजिंग, अगर बोलना सीखने के लिए कैरियर मिलती है तो मेरे हिसाब से सीख लेना चाहिए, और नहीं बोलने नहीं सीखने की वजह से जिंदगी बर्बाद होती है, वो काम मैं आपको कभी करने नहीं दूंगा। सिंपल, यहां से क्लोजिंग। और भी सवाल आया, नेक्स्ट, मुझे इंटरनेट का नॉलेज नहीं है सर। ये आज के समय में इंटरनेट बोलना ये बहुत कॉमन मैटर है, और अपने यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि पूरा ग्रुप बना हुआ है, लॉगिन करने के लिए अपने टीम में या ऑफलाइन या डाउनलाइन से हम मैनेज कर सकते हैं। इंटरनेट अभी अभी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। दूसरी बात, इंटरनेट एक माध्यम बन गया है आज के समय में, तो वो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल बोल के आगे बढ़ो, जो मैंने वहीं पर जो मैं बोला वही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यहाँ सपोर्टेड सिस्टम बना हुआ है, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही छोटा काम है, इसके हिसाब से एक इंटरनेट नहीं आता उसके हिसाब से हम लाखों करोड़ों रुपये की कैरियर नहीं बनाया, वो तो सीख जाएंगे। मैं भी सीखा, मुझे भी नहीं आता था, उसके पास बैठ जाओ उसको अच्छा लगेगा, फिर भी हम ट्राई करेंगे तो पक्का सीख जाएंगे। अच्छा ऐसा है, बात खत्म करो, जरूरत लास्ट सेंटेंस, जरूरत से हर काम को सिखा देती है, और आप भी सीख जाओगे, मैं भी सीख गया, और आज सीखने की जरूरत नहीं है, आपको दर्शन देने। सिंपल क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी ऑब्जेक्शन, ध्यान रखना, अभी मजे वाली बात ये आ रही है। कंपनी ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है? जो भी कंपनी का ऑब्जेक्शन देगा वो कहीं ना कहीं नेटवर्क में टच हुआ होगा। पहले वो कंपनी ने मुझे फंसाया था, मैं इतनी कंपनी में गया, सब लोग ऐसे बोल रहे थे और जो बोला था वो नहीं किया, तो आपका क्या भरोसा, आप बोलोगे वही करोगे और कंपनी नहीं फंसाएगी? सवाल तो सिंपल, ये सवाल कॉमन है। पहले वाली कंपनी ने जो काम किया है, तो अगर नया है तो वो बोलेगा सर कंपनी उठ जाएगी तो, कंपनी बंद हो जाएगी तो हम क्या जवाब करते? मैं बैठा हूं ना, वो सही जवाब नहीं है। ध्यान रखना, कंपनी क्यों चलेगी आज मैं क्लियर करता हूं। मैं कर रहा हूं इसलिए कंपनी चलेगी ऐसा नहीं है। मुझे 25 लाख मिल रहा है कंपनी चलेगी वो नहीं है, प्रवीण सर है इसलिए कंपनी चलेगी वो नहीं है। ध्यान रखना, वो गलतफहमी है। लॉजिकली जब जवाब दिया जाता है, मैं आज कोशिश करता हूं पूरा ध्यान से समझना, मैं 10 मिनट लूंगा ज्यादा, 2 घंटे पे 10 मिनट ज्यादा लूंगा, बहुत ही ध्यान से समझना। सर आपकी बात सही, आपको काम करना है, लेकिन कंपनी सही होना चाहिए, कंपनी सही होना चाहिए, वो आप जाने। हमने क्या बोला? उसने नहीं बोला मैं काम करना चाहता हूं। सर आप काम करना चाहते हो लेकिन कंपनी सही होना चाहिए, मुझे बहुत खुशी है। सर ज्यादा करके जब नई कंपनी बन, कौन सी कंपनी बोलने के बाद नहीं देती? ज्यादा करके जब कोई भी नई कंपनी आती है तो वो ओवर कमिटमेंट करती है और पैसा नहीं दे पाती, वो कंपनी फ्रॉड करती है। एग्जाम्पल,
कल जो कंपनी आएगा मार्केट में वो सबसे ज्यादा कमीशन देने का वादा करेगा, लेकिन नहीं दे पाएगा वो पक्का है, क्योंकि कंपनी में 100 रुपया आता है उसमें से कंपनी देती है। कौन सी कंपनी नहीं देती? जो कंपनी, कोई भी कंपनी नई लॉन्च होती है, या तो बिजनेस नहीं चलता वो कंपनी होती है, या तो कोई नेटवर्कर की कंपनी होती है, जो कंपनी को सर्वाइवल कंडीशन में चलती है, वो ओवर कमिटमेंट करते हैं और देने के वक्त पे नहीं दे पाते। उसका इंटेंशन एक होता है, एक बार मैं बिजनेस कर लूं बाद में देखा जाए। यहां पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी 17 साल से मैनेजमेंट इस फील्ड में है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और आज दिन तक पूरे भारत में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको पैसा नहीं मिला है। देखो अभी मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, ये जवाब सही नहीं है। वहां से कंपनी ने रेपुटेशन बनाया आपने कि कंपनी अच्छा ग्रुप में देगा। मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी सबसे अच्छा था ना, क्या हाल हुआ? ये सही नहीं है। सही क्या है वो मैं आगे बताता हूं, ध्यान रखना। आपकी बात सब आपकी जगह पे सही है, भारत में नेटवर्क के बिजनेस के लिए कोई कायदा कानून नहीं है। मैं पहला सवाल का जवाब दे रहा हूं, कायदा कानून नहीं बना था, लेकिन आज प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है। इसीलिए चंगो मंगो कंपनी ओवर कमिटमेंट करके आज मार्केट में नहीं आ सकती, आज वो प्रॉब्लम कम है, आज वो प्रॉब्लम ज्यादातर के नहीं रहेगा। और वो मैं जो कंपनी की माई लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल है, वो मैनेजमेंट पुराना है, वो मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट किया वो निभाया है। दूसरी बात, अपना कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और वो भी रेगुलर जीवन का इस्तेमाल करने वाली प्रोडक्ट है, तो माल रेगुलर बिकेगा। हम जो 100 रुपया देते हैं कंपनी को, तो कंपनी ऑन द स्पॉट उसका माल 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, एक साइड पैसा दिया एक साइड माल मिला, तो कंपनी को नहीं चलने का कारण कहां पे? कंपनी क्यों नहीं चलेगी? पैसा लेके क्यों भागेगी? क्योंकि कंपनी के पास पैसा है ही नहीं। आपने माल दिया, आपने पैसा दिया, आपको माल मिल गया, कौन सी कंपनी नहीं चलेगी? जो कंपनी बोलती है आपको 1 साल के बाद 1,000 का 2,000 मिलेगा, 3 साल के बाद मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा, वो कंपनी उठने का चांस है। जो कंपनी सर्विस यूनिट है, जो प्रोडक्ट देती है, जो आयुष्मान प्रीमियम का प्रोडक्ट देती है, वहां तक मैं कंपनी का प्रॉमिस नहीं लेता, लेकिन वहां तक लेता हूं। आपने 10,000 दिया, 10,000 का माल मिला, मिल गया, कंपनी नहीं चलने का सवाल कहां, वो बताइए। हफ्ते में पेमेंट, हाँ, तो कहने का मेरा मतलब कंपनी जो बोलेगी वो करेगी, क्योंकि कंपनी को चलना है, चलना स्वभाव है कंपनी का, उस सिस्टम का स्वभाव बना हुआ है। हमें बताओ जो कंपनी बंद हो गई उसका नाम याद करो, ये महीने में आपको पैसा दो, अगले महीने में डबल, मार्केट से 10 करोड़ आया, दूसरे महीने में 20 करोड़ दे दिया, दूसरे महीने में जाहिरात किया ये महीने में जो पैसा डिपोजिट कराएगा उसको डबल मिलेगा अगले महीने में, तो 100 करोड़ जमा करवाया, 200 करोड़ दे दिया, फिर जाहिरात किया तो 1,000 करोड़ हुआ, 1,000 करोड़ लेके कंपनी भाग गई। देने का वादा करती है वो कंपनी भाग सकती है जो ऑन द स्पॉट देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेशन की दुकान पे गए, 2,000 रुपया आपने 2,000 रुपये का सामान खरीदा, 2,000 दे दिया, तो वो दुकान उठने का कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं। ये अपना घर का दुकान, पैसा दिया प्रोडक्ट लिया, इसलिए कंपनी उठने का कोई चांस ही नहीं है, सोच ही नहीं है। इसीलिए सर मैं सब बातें आपको बता रहा था, प्रोस्पेक्ट के पास उसमें से आप कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बता रहा हूँ। मैं फिर से उसका जवाब देता हूँ, सर मुझे बहुत ही खुशी है कि आपको काम करना है लेकिन कंपनी चलनी चाहिए। ज्यादा करके सर वही कंपनी में फ्रॉड होता है कि जो कंपनी मार्केट में नहीं आती है, ओवर कमिटमेंट करती है और पैसा दे नहीं पाती। अपना मैनेजमेंट सर बहुत पुराना है, 17 साल पुराना मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने 1,000 रुपया लिया तो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट मिल गया, अभी उठ के कंपनी करेगी भी क्या? और दूसरी बात, और भी हम सपोर्ट के लिए, हम आपकी बात सही है, भारत का नेटवर्क बिजनेस के लिए कोई कायदा कानून नहीं था, जब उसने सुना तब, आज गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, एक सेंटेंस और सपोर्ट में ले सकते हैं। अपनी कंपनी प्रोडक्ट बेस है और वो भी जीवन जरूरत की रेगुलर प्रोडक्ट है, नहीं चलने का और नहीं देने का सवाल ही नहीं आता। इसीलिए
कंपनी का बैकग्राउंड बहुत पुराना, मैंने जो 5 पॉइंट्स बताया, अगर कोई बोलता है कि कंपनी के बारे में, उसके लिए सबसे पहला सवाल ये पंच करना है, 1000 रुपया दिया, 1000 का प्रोडक्ट मिल गया, कंपनी उठ जाए तो कहां पे जाएगी, क्या लेके भागेगी। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट भी ब्रांड आयुष प्रीमियम मार प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट कौन सा जिंदगी का जरूरत का प्रोडक्ट है, उठेगा कौन, लेने के बाद नहीं देता उसको उठेगा तो यहां पे कोई चांस नहीं है। ये सर्विस यूनिट है, फाइनेंस यूनिट नहीं है, कोई नहीं बोलेगा कि कंपनी उठेगा। आपको उठे, मान लो कंपनी कल उठी गई तो आपने तो 10,000 का प्रोडक्ट ले लिया, बात खत्म हो गई, आपको कंपनी के पास चलाना कोई बाकी नहीं है, और एक हफ्ते का पेमेंट के लिए कंपनी नहीं उठ सकती। उसमें से जिस तरह का आपके पास प्रोस्पेक्ट बैठा है, उस तरह का सब पॉइंट्स को आप क्लिक करके आगे जा सकते हो। मैं आगे जाता हूं, कंपनी ना चली तो सिंपल, वही जॉब से आगे निकलता हूं, कंपनी ना चली तो मैंने सिंपल बताया, क्या बताया, आपने 10,000 रुपया दिया, भविष्य में आपने डाउन में 1000 लोगों ने 10,000 दिया माल लेने के लिए, माल ले लिया तो कंपनी उठने का चांस कहां है, अगर उठ भी गई तो क्या लेके जाएगी, उठेगी क्यों, वो सबसे सही रीजन है। मैं काम कर रहा हूं सीएन पटेल, इसीलिए कंपनी नहीं उठती, वो गलत है। प्रवीण सर है, इसीलिए कंपनी नहीं उठती, वो गलत है। जवाब बात सही है संबंध के लिए, लेकिन प्रोस्पेक्ट के लिए वो गलत है। सही ये है, आपने प्रोडक्ट लिया, आपने 10,000 दिया, 10,000 का माल दे दिया, वो भी माल ब्रांड, वो भी जीवन जरूरत की चीज, वो भी आयुष प्रीमियम मार्क, इसीलिए कंपनी कभी उठ नहीं सकती, वो 100% दिमाग में पीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो कंपनी उठ गई तो, कंपनी को नहीं चलने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि भारत की भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी चल रही है, और गवर्नमेंट का हर डॉक्यूमेंट से पहला जवाब यही आएगा, सर जवाब करता हूं, अभी मैंने आपको समझाया, मैं प्रोस्पेक्ट को जवाब करता हूं, ध्यान रखना, सिंपल ध्यान रखना, मैं प्रोस्पेक्ट को जवाब कर रहा हूं, सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको बिजनेस करना है लेकिन कंपनी चलनी चाहिए। सर आजकल मार्केट में अपना कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन और गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके चलती है, और 2019 में गवर्नमेंट ने हमें बेस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड ही दिया है। दूसरी बात यह है कि हम 10,000 रुपये डिपोजिट करते हैं तो 10,000 रुपये का सामान दे देते, कंपनी कोई फाइनेंस स्कीम नहीं है सर, इसीलिए नहीं चलने का सवाल नहीं है, आप वो टेंशन छोड़ दो। स्टार्ट अगर बोला नहीं लेकिन कंपनी नहीं चला तो, कंपनी के पास सर लीगल डॉक्यूमेंट्स, आयुष प्रीमियम मार्क 2019, और साथ साथ में 100 रुपये लिया, 100 का प्रोडक्ट दे दिया, नहीं चलने का सवाल नहीं है। और भी सवाल किया तो जिस कंपनी के पास मैनेजमेंट सही हो, बाद में आप मैनेजमेंट लीडर फ्यूचर जनरेशन ये बात टच कर सकते हो, ये बात को क्लिक कर सकते हो, जिस कंपनी का प्रोडक्ट ब्रांड है, तो ये सब पॉइंट्स में आपको ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई कॉरपोरेट हाउस में हम जाते हैं तो कंपनी चलने का रीजन लॉजिकली उसको बताना पड़ेगा, और लॉजिकली दिमाग में जल्दी फिट होगा, मैं कर रहा हूँ सीएन पटेल करता है इसलिए कंपनी नहीं उठेगी, वो बात झूठ है, वो सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है, इकोनॉमी कुछ देना नहीं है, ब्रांड प्रोडक्ट ये अवार्ड्स गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट गाइडलाइन फ्यूचर में कुछ देने का बाकी नहीं है, वही हमारा रियल जवाब है दोस्तों। कंपनी की सस्ती प्रोडक्ट आए तब बोलना, ध्यान रखना, जब भी ये बात आती है तो प्रकाश जी ने जिससे एक मीटिंग में बताया था, प्रोडक्ट का वैल्यू वो सस्ती मांग रहा है क्यों, कि उसको मालूम नहीं है ये प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ने कौन सा हब यूज किया है। तो हम सीधा सवाल का जवाब, सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको काम करना है लेकिन प्रोडक्ट सस्ता चाहिए, रियल में सर अगर सस्ता प्रोडक्ट होता तो मैं भी काम नहीं करता, क्योंकि जब प्रोडक्ट सस्ता होता है तो उसमें कंपनी जड़ी बूटिया का सही तरीके जड़ी बूटी का यूज नहीं कर पाती, जिसके हिसाब से रिजल्ट नहीं निकलता,
रिजल्ट नहीं निकलता, प्रोडक्ट सेल नहीं होती, प्रोडक्ट सेल नहीं होती, वॉल्यूम नहीं बनता, वॉल्यूम नहीं बनता, टीम नहीं बनती, दो चार साल काम करने के बाद जीरो होना पड़ता है। इसीलिए मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है, नंबर वन प्रोडक्ट क्वालिटी है, रिजल्ट ओरिएंट प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ आपके लिए, जो मैंने जवाब किया सिंपल, वो बहुत कम सवाल आएगा। सर आज के समय में लोग हेल्थ कॉन्शियस है, पैसे के सामने कुछ लोग नहीं देखते, तो वो जवाब क्या करेगा? हाँ लेकिन कुछ लोग, लेकिन बहुत लोग तो देखते हैं ना, कुछ लोग नहीं देखते लेकिन हमारे ग्रुप में सब लोग देखेगा। हाँ आपकी बात सही। सर एक बात बताओ कि अगर ये प्रोडक्ट सस्ता होता तो मैं काम नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि सस्ता प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉपर जड़ी बूटी का यूज कंपनी नहीं कर पाती, जिसके हिसाब से रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं निकलता तो वॉल्यूम नहीं बनता, वॉल्यूम नहीं बनता तो टीम नहीं बनती, हम दो चार साल मेहनत करने के बाद जीरो होना पड़ता। इसीलिए मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसका कोई कीमत नहीं, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस, हम उस तरह से उसका क्लोजिंग कर सकते हैं। और लोगों के परिणाम सही है, और बहुत ही लोग आज लोगों को परिणाम चाहिए, अगर आगे बढ़ा तो हम यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, मैंने जो आपको बताया, और आगे बढ़ा तो सस्ता प्रोडक्ट देने वाली कंपनी लंबे समय तक नहीं चल पाती, क्योंकि रिजल्ट नहीं, नो रिजल्ट, नो ग्रोथ, नो वॉल्यूम, नो इनकम, नो एक्सपेंशन। इसीलिए हम बिल्कुल प्रॉपर जगह पे और हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट रेट में है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ, हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, सिंपल आगे बढ़ेंगे। और जरूरत के हिसाब से, मार्केट के डिमांड के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट में बदलाव भी लाती है, अपडेट भी करती है। अच्छा ऐसा है, क्लोज करो, नेक्स्ट कंपनी पैसे देने के टाइम पर नखरा करती है। बहुत कंपनी में आपने सुना होगा, कुछ लोग कंपनी वाले लोग बोलेंगे कंपनी पैसा नहीं देगी तो। दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सवाल है, सर मुझे खुशी इस बात की है, आपको बिजनेस करना है लेकिन कंपनी टाइम पे पैसा देना चाहिए। कंपनी इसीलिए पैसा देगी, कंपनी का 100 रुपये का पैकेजेशन फीस है, डे वन से कंपनी दे रही है तो फ्यूचर में भी देगी। हाँ उसके साथ अगर जरूरत पड़ा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट गाइडलाइन, अगर जरूरत पड़ा तो एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको टाइम पे कंपनी ने पैसा नहीं दिया। अगर जरूरत पड़ा तो कंपनी ने वॉल्यूम के हिसाब से बायपैकेट करना है, प्लान के हिसाब से, नहीं देने का कोई सवाल नहीं आता। जहाँ पे मैंने कुछ बात यहाँ से जो मैंने बताया, जो कंपनी शुरू करने से टाइम पे कौन अगर बोलता है कि वहाँ सर बहुत बहुत ही कंपनी में ऐसा हुआ, जो कंपनी ने बोला था और कुछ नहीं दिया, लास्ट में ये हुआ ये हुआ, सर आपकी बात सही है, लेकिन जो कंपनी शुरुआत में शुरू करने के टाइम पर ज़्यादा कमिटमेंट देती है और बाद में उसको एक बाद में इकोनॉमी परमिट नहीं करती, जिसके हिसाब से नहीं दे पाती, लेकिन हम तो बहुत साल से काम कर रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट कुछ कंपनी सब टाइम के लिए आती है, अपना घर भरने के लिए आती है, अपना कमाने के लिए आती है, और उसको फ्रॉड करके चले जाना है, वो कंपनी बहुत बड़ा कमिटमेंट करेगी, आज पैसा दो, दो महीने में डबल, तीन महीने में डबल, चार महीने में डबल, वो कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी। वॉल्यूम बेस्ड कंपनी है, इंस्टेंट है, इसीलिए पैसा देने का नहीं देने का कोई सवाल आता नहीं है। जो जो मैंने बताया कि फाइनेंस कंपनी के बारे में, दूसरे की गलती, हाँ सर उसको ऐसा हुआ था इसीलिए मुझे काम नहीं करना, मेरे गांव में एक लोग बर्बाद हो गया, वो भाग गया, उसका इतना पैसा गया, सर किसी और की गलती के लिए हम हमारी जिंदगी को बर्बाद करें, उसका गलत डिसीजन था ये कंपनी में काम करने का, उसकी गलती के हिसाब से हम हमारा फ्यूचर बर्बाद करें, वो मैं आपको नहीं करने दूंगा, मैं आपके साथ हूँ, आपको 10,000 देने का। दूसरे की गलती के हिसाब से वो पॉइंट पे हम बहुत यूज कर सकते हैं, कोई बोलेगा ये कंपनी में ऐसा हुआ, ये भाग गया, ये कर्जे में डूब गया, तो उसका निर्णय गलत था, उसने गलत कंपनी चूज किया था, उसकी गलती के हिसाब से आप अपनी कैरियर क्यों बिगाड़े, हमारा कैरियर क्यों बिगाड़े, वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा। आज दिन तक कंपनी ने, बाद में हम अपने कंपनी का जो जो पॉजिटिव पॉइंट है, टाइम पे पैसा, प्रोडक्ट, वो सब हम बता के उसका क्लोजिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में बताने की कोशिश करूंगा, प्रोडक्ट नहीं चली तो, प्रोडक्ट इसीलिए सर चलेगी, हम सुबह में एक इंसान जब उठता है तब सुबह में उठने के बाद शाम को सोता है, तब तक जो चीज चाहिए वो हर चीज हमारे पास है, हर चीज कंपनी के पास है, इसीलिए रेगुलर प्रोडक्ट का यूज होगा, वो भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, वो भी रिजल्ट ओरिएंट है, वो भी आयुष प्रीमियम मार्क का हेल्थ प्रोडक्ट है,
इसीलिए प्रोडक्ट चलेगी, सिंपल उसका जवाब। ऐसा नहीं बहुत लोग प्रोडक्ट नहीं चली तो मुझे वापिस दे देना, मैं बैठा हूं ना, वो जवाब नहीं है। जवाब यही है, उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बातें बताई है शॉर्ट में, उसको बताने कंपनी में जीवन जरूरत के हर प्रोडक्ट है उसके बारे में मैंने बताया। कंपनी समय पे बदलाव करती है, जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट को अपडेट करती है, वो मार्केट के डिमांड के हिसाब से कंपनी का हर प्रोडक्ट सरकार के नियम अनुसार है। इसीलिए सिंपल क्लोजिंग, और क्लोजिंग के बाद हर बात को पॉजिटिव मोड देके नीचे आना है। सर ये तो नंबर बनाने का धंधा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये तो स्कीम है। सर मुझे इस बात की पहले सबसे बड़े तो ये खुशी है कि आप स्कीम में काम नहीं करना चाहते, बिजनेस में काम करना चाहते। हाँ मैं बिजनेस में करूँगा, बस सर यही बिजनेस है। एक बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, स्टॉकिस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन दिया जाता है, और रिटेलर होता है, उसको बिजनेस बोलते हैं ना। बस यही भी यही है, प्रोडक्शन है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है और कमीशन भी है, लेकिन तरीका अलग है। जो बिजनेस में होता है वही यहां पे होता है। स्कीम शॉर्ट टाइम के लिए होती है, स्कीम परमानेंट नहीं होती। और दूसरी बात, कंपनी भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से चलती है। स्कीम लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और बिजनेस में जो कुछ भी चाहिए वो हमारे साथ है, हमारे भी प्रोडक्शन है, कंपनी का भी प्रोडक्शन है, सब प्रोडक्शन में होती है। स्टॉकिस्ट मतलब अपना स्टॉकिस्ट होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, उसको हमारा बिजनेस स्कीम नहीं है। स्कीम सब टेम्पररी टाइम के लिए होती है, और बिजनेस में प्रोडक्ट होती है, हमारे पास प्रोडक्ट है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। जो बिजनेस में होता है वो यहीं पे, वो आपको सिंपल प्रूव करना है। बायर बिजनेस में बायर होता है, यहाँ भी बायर है, डिस्ट्रीब्यूशन सिप होती है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड वाइज प्रोडक्ट होती है, वर्ल्ड वाइज प्रोडक्ट है। इसीलिए हमारा स्कीम नहीं है, बिजनेस है, और मुझे खुशी इस बात की है। आप बिजनेस में काम करना चाहते हो, सर परफेक्ट आपके लिए बिजनेस है, सर आपको 10,000 देगा। देखो जो सवाल करते हैं वो सवाल हमको बोलना है, उसको पॉजिटिव मोड देना है। कंपनी बोगस है अगर किसने बोला, हम काम नहीं करेंगे। सर आपकी बात सही है आपकी जगह पे, लेकिन रियल में माय लाइफ नंबर वन है, शायद आपको मालूम नहीं है, मैं बताता हूं। सर आपकी बात सही है, नहीं उसको झगड़ा मत करना, नई कंपनी नंबर वन है, नई कंपनी बोगस है, तो हम फाइट करेंगे, झगड़ा करके घर पे आ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, आर्ग्यूमेंट जीतने को मिलेगा। कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन रखने में सबसे पहले ख्याल रखना, कुछ भी बोलता है तो उसको मोड़ दो, पॉजिटिव ऑब्जेक्शन। पॉजिटिव ऑब्जेक्शन का मतलब सिंपल है, कोई बड़ी बड़ी बातें करता है उसे आप उसकी बात में मत आना, मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, मैं कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, राजस्थान में 500 लोग है, गुजरात में 1,000 लोग है, यूपी में 500 लोग है, हॉल है, मीटिंग है, 100 पर इकट्ठा करो, कुछ नहीं करना, उसका पहले 10,000 रुपया ले लेने का, अगर 10 लिया तो आप जीत गया। वो 10,000 नहीं देने के लिए आपको 500 करोड़ का बिजनेस बताएगा खुद का, उसको पॉजिटिव ऑब्जेक्शन। बड़ी बड़ी बातें करने वाले से थोड़ा भागते रहिए। मैं घर वालों को पूछ लूँ, बाद में काम करूँगा। मुझे बहुत खुशी है आपको काम करना है और घर वाले को पूछना चाहता है, वो बहुत आनंद की बात है सर, उसमें कौन सी बड़ी बुरी बात है। लेकिन सवाल ये है, इस बिजनेस के बारे में अपने घर वाले को कुछ मालूम नहीं है, अगर आप बोलोगे कि मैं माई लाइफ करूँ तो वो तो मना करेगा। उसके बेहतर ये है आप आईडी क्रिएट कर लो, उसके बाद जब एक मीटिंग होता है तो आपको पूरे फैमिली को लेके आइए, आपको शाबाशी देगा। घर वाले को अभी पूछने की इसीलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस बिजनेस के बारे में 100% अननोन है, सिंपल। बस वही उसका जवाब, घर वाले को पूछ लो उसका सिंपल जवाब यही है। ये गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा। देखा, मैं मुझे खुशी है, जो मैंने खुशी तो बताया, घर वालों को पूछो तो नहीं है, तो आप घर वालों को मत पूछो, वो ना बोलेगा, ऐसा मत बोलो। मुझे खुशी है कि आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन घर वाले को पूछना चाहते हो, वो बहुत अच्छी बात है सर, उसमें कौन सी बड़ी बुराई है, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन सर सवाल ये है, आपके घर वाले को कुछ मालूम नहीं है कि बिजनेस में क्या है,
आप जो कुछ भी बोलोगे उसमें वो ना बोलेगा, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू तो उसको मालूम नहीं है। उसके अच्छा है आप एक बार आईडी क्रिएट कर लो, आईडी क्रिएट करने के बाद हम उसको मीटिंग में लाएंगे, आपको अप्रिशिएट करेगा और शाबाशी करेगा। अगर आपने अभी पूछा तो बिजनेस करने को मना करेगा, आपकी करियर के दाव पे लगेगा, वो गलती में आपको निकल दूंगा। सिंपल, अभी आप पैसा दे दो मैं बाद में दूंगा। देखो ये सवाल आता है अपने रिलेटिव कजिन ब्रदर है, मारा पर आप लोग विश्वास नहीं, 10,000 नहीं करोड़ों की बातों करा उसने, आओ कैसे बोलते हैं ना, उसमें इतना भरोसा नहीं 10,000 का, तो करोड़ों की बातें कर रहा है, 50-2 लाख की गाड़ी लेके आया। सिंपल जवाब उसका मैं क्लोजिंग करता हूं, अभी आप पैसा दे दो बाद में मैं दूंगा। सर मुझे बहुत खुशी की बात यह है कि आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपको थोड़ा पैसे का बंदोबस्त करना जरूरत है, क्योंकि मुझे पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका आईडी क्रिएट कर दूंगा। लेकिन सवाल है, एज पर माय एक्सपीरियंस आज दिन तक जितने लोगों का पेमेंट किसी और ने पे किया, उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, जिसके हिसाब से वो सही तरीके से काम नहीं होता और रिजल्ट नहीं मिलता, और उस पूरी लाइफ के बिजनेस हाथ से निकल जाता है, वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा। सिंपल, मैं दे दूंगा, तू कब देगा उसमें पड़ो ही मत। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत खुशी की बात है, लेकिन आज दिन तक मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जो किसी और का पैसा किसी और ने डिपॉजिट किया आईडी का, तो जिसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं आता तो बिजनेस नहीं होता, बिजनेस नहीं होता तो हाथ से बिजनेस चल जाता है। वो गलती मैं आपको नहीं करने दूंगा। और इतनी बड़ी कैरियर के सामने 10,000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं, और आप कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। लेकिन पैसा का आईडी तो आपका पैसे से ही लेती है, और मुझे उम्मीद है आप मुझे अभी दे सकते हो, आपको 10,000 देंगे। क्लोज। पैसा हमको देना नहीं है और लेना भी है, पैसा नहीं है तो सेल्फ का चेक भी हम मांग सकते हैं। मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनू लेकिन मेरे डाउन में दो डिस्ट्रीब्यूटर ना बने तो, और वो बनेगा और काम ना करे तो। देखो बहुत लोगों का ये सवाल आता है, सर मुझे खुशी की बात यह है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, लेकिन आपकी डाउन में दो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाए। सर हर लोगों के दिमाग में जब शुरुआत करते हैं तो यही सोच होती है, यही सोच मैंने भी शुरुआत किया तब मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन शुरुआत में मुझे भी आप जैसा बताया, आप जैसा लगता था, बहुत ही लोगों को आप जैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि कंपनी की ओर से, हार्वेस्ट की ओर से और अपनी टीम की ओर से एक सिस्टम बनाए, प्लान, जूम प्लान और ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग में अपने को लोगों को इन्वाइट करना है, प्लान में इन्वाइट करने के बाद हमको क्लोजिंग करना है। हमको किसी को अभी बताने की जरूरत नहीं है, और शुरुआत में जब तक आपका 5 क्लोजिंग नहीं होता तो मैं आपके साथ रहूंगा। तो आप टेंशन मत लो, आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। एक बार आपका आईडी बनने के बाद हम 2 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, बाकी आगे किस तरह से काम करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और मेरा अपलाइन भी बता देगा, हम तीनों मिलकर साथ में मिलेंगे। सिंपल, 2 कैसे बनेगा, 2 का टेंशन उसको लेना नहीं है, वो बात पे मोड़ देना, अपने गेस्ट लोग को सिर्फ हाजिरी लगाना है, सिंपल बना देने का है। 2 को 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्शन मैंने दिया, नेक्स्ट आप हर वक्त सफर करेगा उसका क्या गारंटी, क्योंकि मुझे पास बिजनेस में ऐसा हुआ था, अपलाइन ने धोखा दिया, बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन मुझे छोड़ के चला गया। आप हर वक्त सपोर्ट करोगे उसकी क्या गारंटी। सर मुझे बहुत खुशी की बात है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, लेकिन आपको सपोर्ट परमानेंट चाहिए। मैं आपको इसीलिए परमानेंट सपोर्ट करूंगा क्योंकि आपका जितना भी बिजनेस होता है वो बिजनेस मेरा भी बनता है, ध्यान रखो, आपका जो बिजनेस होता है वो बिजनेस मेरा बनता है। तो मैं 100% में फुल टाइम काम भी कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस करने के लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। हाँ, आपका बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं होता तो मैं शायद सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपका बिजनेस मेरा बिजनेस है इसीलिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा। पहले मुझे भी ये सवाल आया था, लेकिन ये बिजनेस में सब पार्टनर और कंपनी का सपोर्ट करती है और हमेशा करती रहेगी, क्योंकि
आपका बिजनेस मेरा बिजनेस भी है, कंपनी का बिजनेस भी है, इसीलिए आपको रेगुलर सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट का टेंशन छोड़ो। सिंपल, हर लोग अपनी कैरियर के लिए काम करते हैं। मैं सपोर्ट के लिए और ऑब्जेक्शन हैंडल के लिए मेरा एक बुक्स भी जो मैंने बोला उसमें से कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, क्योंकि ये सेमिनार थोड़ा लंबा हो जाता, 10 ऑलरेडी बज के 8:15 स्टार्ट किया है, मेरे पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। वो एक बुक्स है, अगर आपकी दोस्तों के पास से ले लेना, मोर देन 1 लाख ऑलरेडी सोल्ड आउट, 1 लाख से ज़्यादा बुक अभी तक बिक चुका है। अभी बड़ा काम का मतलब क्या है? बड़ा काम का मतलब न्यू ज्वाइनिंग, रेगुलर रिपर्चेस और डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव हुए, वो बड़ा काम है ना। तो बड़ा काम में सबसे पहले जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने सुना दिया, लेकिन कल से जब तक आप 10 फॉलो हफ्ते में नहीं करोगे अपने हाथ से, तब तक आपकी टीम कभी बड़ी होने वाली नहीं है। जो बंदा 2 साल में पीसी बना उसको मैं पूछता हूं, आपने 10 फॉलो ला सकता? जवाब मिला नो। हर डिस्ट्रीब्यूटर से एसटीसी तक हर हफ्ते में 10 फॉलो पार्टी टू पार्टी करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर वो नहीं किया और ये फॉलो किस तरह से करो, आपका रिजल्ट 4 गुना निकलेगा, 4 times। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल जूम में बुलाने के लिए मैंने जो बताया था, पहले कॉल करो, बाद में इन्विटेशन भेजो, बाद में लिंक भेजो, और बाद में मैंने बताया उस तरह से क्लोजिंग करो। सही नेटवर्क का वॉल्यूम बनाने के लिए बाय रीपर्चेस, रीपर्चेस में गुजरात ने हाईएस्ट रीपर्चेस में बोला जाता हूं मेरे हिसाब से 5वें नंबर से 3rd नंबर पे आया है। प्रोडक्ट चैंपियन के लिए कंपनी ने टाइम एक्शंस किया है, आप सभी को मालूम है, मैं भी बताता नहीं, मैसेज सबको मिल गया है, फिर भी क्लिक करता हूं। तो सही नेटवर्क, जब रीपर्चेस होगा तो सही नेटवर्क होगा, एक बंदे का क्लोजिंग करेगा तो रीपर्चेस उसके पास, रीपर्चेस किसके पास से करवाओगे? डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है तो सबसे पहले क्लोजिंग करना पड़ेगा। तो दूसरा फोकस हमारा ज्वाइनिंग पे रहेगा, पहला फोकस रहेगा रीपर्चेस पे। टीम का स्टेबिलिटी आएगा, सभी डिस्ट्रीब्यूटर का आमदनी होगा रीपर्चेस से, सबको अपना घर खर्च निकलेगा, डाउनलाइन सभी लोगों का टारगेट पूरा होगा, जो लोग यूज करेगा वो ज्वाइनिंग मिलेगा। तो मेरे हिसाब से रीपर्चेस करना बहुत जरूरी है और करवाना जरूरी है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, टीसी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लिस्ट बनाओ, कितने बंदे अपने प्रोडक्ट चैंपियन में पार्टनरशिप हो सकते हैं, कंपनी प्रोडक्ट चैंपियन में उसको 15% का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का बेनिफिट है। तो अपना लिस्ट बनाओ और क्लोजिंग पे लगो और 10 फॉलो रेगुलर करो। प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर और प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप ब्रॉडकास्ट का यूज करो, जिस तरह से हमने बताया था उस तरह से। फैमिली यूज का, जो फैमिली का, अपना फैमिली का रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए, खुद का यूज करने के लिए 4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट चाहिए, वो सबसे पहले आज के समय में जरूरी है। दूसरे को रेकमेंड करने से पहले हम खुद प्रोडक्ट यूज करो। और अटेंड हार्वेस्ट का प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जब तक आप अटेंड नहीं करोगे तब तक आपको प्रोडक्ट पे माहिरी नहीं आएगी। नॉलेज एंड कंटेंट आपको समझ में आएगा। फैमिली के साथ एक कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखो, वाई बेटर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सबसे बेटर हमारा क्यों है, जब ये जानोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हम को क्यों रिपर्चेस करना चाहिए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोई क्वालिटी के बारे में मालूम नहीं है, प्रोडक्ट की हमें क्वालिटी मालूम नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम रिपर्चेस कैसे करवाएंगे, रिटेलिंग कैसे करवाएंगे? तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखिए दोस्तों। और एक कंपनी का छोटा मैसेज है, लास्ट मंथ 99.50% ऑफ कंपनी ने एक्सचेंज किया, वही है गेट मोर बेनिफिट अगेन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट बनाइए। 500 और 700 रुपया का, 750 का जो कूपन मिलता था, 5,000-7,500 रिपर्चेस पे, 10,000 रिपर्चेस पे, तो वही कंपनी ने भी एक्सटेंड किया है जो आपके सामने जो आपको दिख रहा है। और परफॉर्मेंस बोनस, स्टार परफॉर्मेंस बोनस एज पर प्रोफाइल, अभी जो 75% था वो अगले ये महीने से 100% कोटा कंप्लीट करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम लोगों को प्रोडक्ट चैंपियन बनाइए। और लास्ट में मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको थैंक्स बोलने से पहले, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे हैं उनको मैं 2-3 मैसेज देना चाहता हूं। सिंपल मैसेज, सिंपल मैसेज, 10 फॉलो रेगुलर कीजिए और रिटेलिंग एंड रीपर्चेस पर ज्यादा फोकस कीजिए। कंपनी का प्रोडक्ट चैंपियन ज्यादा बनाइए, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया। मेरे हिसाब से प्रकाश भाई की टीम में 750 लोग का लिस्ट है प्रोडक्ट चैंपियन का,
सबके लाइन में, लेकिन मेरे जो इन्फॉर्मेशन मिला तो हम उसको डबल कर सकते हैं, डबल। बीएन पटेल 400 प्रोडक्ट चैंपियन लिस्ट, ग्रेट। सब एनडीसी में, मैं किसी का पर्सनल नाम लेके तो इंडिविजुअल किसी को हाईलाइट नहीं करता, लेकिन सबको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हारमोनी में करीबन करीबन सबका एवरेज, एवरेज 10-20% का ही डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और गुजरात को नंबर वन करने में हमें सिर्फ 20% और बढ़ाना है, 25% और बढ़ाना है। तो मेरा मैसेज, कल से एक लिस्ट बनाओ, प्रोडक्ट चैंपियन बनाओ और 10 फॉलो फॉर्मूला को 100% एडेप्ट करके आप लोग आगे बढ़ो। लास्ट वीक का जो बिजनेस हुआ, लास्ट महीने का बिजनेस हुआ, वो हमने करिश्मा किया है, पूरी कंपनी ने करिश्मा किया है। कंपनी नंबर वन बनेगी, हारमोनी नंबर वन बनेगा। अपने आप को संभालो, लोगों को मार्केट में बाहर निकालो। सिर्फ बातें करने से, ओनली ट्रेनिंग देने से कुछ नहीं होगा, ट्रेनिंग के साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब तक एक बंदा 8 घंटा मार्केट में कच्चा काम नहीं करेगा, तब तक वो कभी बड़ी दुनिया नहीं बना पाएगा। दूसरी बात, फॉलोअप के लिए, क्लोजिंग के लिए होम टू होम जाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूं आज की मीटिंग का कुछ पॉइंट्स को लेके, मेरे प्यारे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब लोग कल से 10 फॉलोअप फॉर्मूला को अडॉप्ट करके क्लोजिंग में जाएंगे, रिटेलिंग करेंगे, प्रोडक्ट चैंपियन ज्यादा कल लिस्ट बनाएंगे। इंडिविजुअल मिलके प्रोडक्ट चैंपियन ज्यादा बनाना है तो सबका इनकम मिलेगा। और लास्ट में आप सभी लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आज का मीटिंग मैं उम्मीद रखता हूं आपको पूरा सपोर्ट करेगा। और साथ साथ में आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच बोलूंगा, क्योंकि जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं 2 घंटे से, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माय लाइफस्टाइल, जय आर्मी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, सर ने एक जबरदस्त बेहतरीन प्रोग्राम हमको आज समझाया है, और जो सभी के लिए, मतलब के डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डायमंड तक सभी लीडर्स को लेके ये बहुत ही जरूरत वाला प्रोग्राम था। और दोस्तों, सर को शुक्रिया कहने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं बम्बई से हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव और हमारे सबके चहेते ऐसे, मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेरी वेलकम ऑन द स्क्रीन हरीश शेटिगर सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच यश भैया, मौका देने के लिए मुझे भी स्क्रीन पे आने का, थैंक यू वेरी मच। आपका ये आप बहुत, आप हर हफ्ते में बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोगों को जुड़ाने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। यू नो, अभी जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम हरीश शेटिगर, मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ आप लोग का जैसा, लेकिन आप लोग का मेहरबानी का वजह से ITC डायमंड, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और सब लीडर लोगों को थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा दाल रोटी ठीक ठाक चल रहा है एक्चुअली। फ्रेंड्स, नटू भाई लास्ट 2 घंटे से आप लोग से यू नो सही तरीके से कैसा क्लोजिंग करने का वो सिखाया है आप लोग को। यू नो, आजकल मुंबई में CBI और CBI और NCB वो ड्रग वालों का सब हीरो हीरोइन को पकड़ के बहुत ग्रिल करते हैं एक्चुअली। नटू भाई अभी 2 घंटा आप लोग को सिखाए क्लोजिंग के बारे में, ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बारे में। जस्ट सोच के देखो, जो इंसान 2 घंटा आपको सिखाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए, वो मेरे को कितना ग्रिल किया होगा ऑब्जेक्शन डाल के, रामबाण डाल के। यू नो, ये तीनों भाई लोग, नटू भाई, आरडी साहब, SK साहब, दो दिन मुझे गुंगट होटल में बिठा के मेरे ऊपर सब ऑब्जेक्शन डालते थे एक्चुअली। ओके, तो आप सब लोगों को नटू भाई जैसा टीम मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले चीज आप लोगों को सिखाया जो गया वो स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, वो नॉलेज को आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसा आप लोगों ने अभी 2 घंटा सुना, हर डायलॉग जो ऑब्जेक्शन करने हैंडल करने का, हर डायलॉग क्या आप लोग को याद रह सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसा कितना भी बड़ा हीरो होने दो, हीरोइन होने दो, जैसा मूवी में बोलो या ड्रामा में बोलो, उन लोग को स्क्रिप्ट दिया जाता है एक्चुअली। ओके, उसी तरीके से आप लोगों को वापस ये वीडियो 2-3 बार देख के, अपना सीनियर अपलाइंस लोगों के साथ बैठ के ये स्क्रिप्ट आपको लिखना पड़ेगा,
और उसको बायहार्ट करना पड़ेगा आपको। नटू भाई को 2 घंटा बात करने के लिए उसको 12-13 साल लगाए एक्चुअली। ओके, उसने ये बोल बोल के ऑब्जेक्शन हैंडल करके करके उसको आदत हुआ एक्चुअली। लेकिन ऐसे ही नहीं हुआ, जैसा आपको समझाने के लिए उसने स्क्रिप्ट स्लाइड तैयार किया हुआ है, उसी तरीके से आप सब लोगों को ये वीडियो, ये तो आप लोगों को मिल जाएगा एक्चुअली, हार्मोनी ग्रुप का वेबसाइट में मिल जाएगा ये वीडियो, और आप लोग का सीनियर लोगों का यूट्यूब में भी आप लोगों को मिल जाएगा। 2-3 बार सुन के आप लोगों को स्क्रिप्ट बनाना चाहिए, स्क्रिप्ट बना के बायहार्ट करके आप लोगों को बात करने को सीखना चाहिए फ्रेंड्स। और जितना भी ज्यादा लोग ऑब्जेक्शन डालता है ना, वो एक्चुअली ऑब्जेक्शन नहीं डालते हैं, उन लोग आपको इनडायरेक्टली ये बोलते हैं, भैया मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस तो अच्छा लगा लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है करने के लिए, थोड़ा मुझे पुश की जरूरत है, इसके लिए उन लोग कुछ ऑब्जेक्शन डालते हैं। इसके लिए आपका जिम्मेदारी है उन लोगों को सही मार्गदर्शन करना। ओके, उन लोगों का जो कुछ भी हिम्मत बढ़ाने के लिए, ओके, सही तरीके से उन लोगों को ये बिजनेस का ताकत, जैसा नटू भाई ने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया, ये सारी चीज उन लोग को समझाना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। ओके, और जब भी आप लोग कॉन्फिडेंस का साथ, कॉन्फिडेंस का भी आता है, नॉलेज रहेगा तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप लोग जब कॉन्फिडेंस का साथ जब जाते हैं लोगों को मिलने के लिए, दिमाग में एक एटीट्यूड जरूर रखना, मैं आज सामने जो बैठा है उसका जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन करूंगा, ये दिमाग में डाल के आप जाइए, सिर्फ सेल करने के लिए मत जाइए। अगर कोई आपको ना बोलेगा तो, अगर सिर्फ आप सेल करने को जाएंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, अगर 4 लोग आपको ना बोलेगा तो आप बिजनेस ही छोड़ के चले जाएंगे, ये चीज हो रहा है। लेकिन जब आप देने का, कंट्रीब्यूट करने का एटीट्यूड के साथ जब आप जाते हैं, आप लोगों को ये बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिपर्चेस कर रहे हैं, हम लोग एक जमाने में सपना देखते थे, रिपर्चेस का वजह से सेलिंग टच होना चाहिए करके बोलते थे, एक दिन ऐसा होएगा, और आज प्रैक्टिकली वो चीज हो रहा है फ्रेंड्स। और आने वाले दिन में आप लोग सही तरीके से रिपर्चेस करके अपना टीम में सही तरीके से रिपर्चेस करने का एटीट्यूड को डेवलप करेगा तो आने वाला दिन में आप लोगों का साथ भी, एक वक्त ऐसा आएगा कुछ सालों का बाद, जब बहुत बड़ा टीम होएगा, लोग रिपर्चेस करेंगे, रिपर्चेस से ही आप लोगों का सीलिंग टच होने वाला है फ्रेंड्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब लोगों को फ्राइडे से मोहब्बत है फ्रेंड्स, सब लोगों को फ्राइडे से मोहब्बत है, पता नहीं क्यों फ्राइडे से आप लोग को मोहब्बत है, शुक्रवार से जितना भी रिपर्चेस करना है गुरुवार का अंदर कर डालो, और पहले हफ्ता, सेकेंड हफ्ता, थर्ड हफ्ते का अंदर कर डालो, लास्ट वीक के लिए मत रखो, लास्ट दिन के लिए, महीने का मत रखो, जितना भी हो सकता है ये रिपर्चेस पहले करो, क्योंकि जैसा आप सीनियर होते जाएगा, जब भी परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, एनटीसी बोनस मिलेगा, तभी आप लोगों को टेंशन नहीं चाहिए, तो अपने टीम में कल्चर बनाओ रीपर्चेस को फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में करने का। और दूसरे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है हम लोग हार्मोनी ग्रुप का वेबसाइट में डालते हैं, आप लोगों को थोड़ा हार्मोनी ग्रुप का जो वेबसाइट है खुद और अपना टीम में डिजिटल तरीके से बिजनेस को डेवलप करने के लिए, डिजिटल तरीके से बिजनेस को डेवलप करने के लिए हार्मोनी ग्रुप का वेबसाइट को आपको सही तरीके से अपना टीम में यूज करके लेने को आप लोगों को सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, और मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो किया है, मैं शायद शशांक से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शशांक अपना जो नॉलेज है उसके हिसाब से जैसा ये वेबसाइट बना दिए आप लोग का बेनिफिट के लिए, क्लोजिंग में ये टूल करके आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा फंक्शंस, बड़े बड़े लोगों का गाड़ी घोड़ा, और आपका टीम को जो लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए वो सारा ट्रेनिंग, प्रोडक्ट का नॉलेज, हर चीज ये वेबसाइट में आप लोगों को मिलता है, क्योंकि लोग हार्मोनी ग्रुप का साथ क्यों जुड़ना चाहिए,
वो आपको हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट मदद करेगा दिखाने के लिए। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सही तरीके से यूज करके लीजिए। और शशांक का भी एक मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली, इन्होंने एक बहुत बढ़िया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली आप लोगों का बेनिफिट के लिए, बहुत बढ़िया कोर्स वो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलने वाला है। हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट में जाएगा तो, फ्रंट पेज में जाएगा तो हार्मनी यूनिवर्सिटी करके है, उसमें आपको लिंक में क्लिक करेगा तो ही आपको वो कोर्स फ्री मिलेगा फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोग थोड़ा उसका बेनिफिट ले लो, वो जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कोर्स डेवलप कर रहे हैं वो, अभी तो 1 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं वो, आने वाले दिन में बाहर की दुनिया में प्रोफेशनल्स लोग 20-25 हजार रुपया चार्ज लगाते हैं, उस तरीके का कोर्स वो बना रहे हैं फ्रेंड्स, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका बेनिफिट लीजिए। और हार्मनी ग्रुप का सब डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। और लिंक को क्लिक कीजिए, बस उतना ही करने का है आपको, फ्रंट पेज में ही है लिंक यूनिवर्सिटी का, उसमें सिर्फ क्लिक कीजिए, आपका मोबाइल में लैपटॉप में वो चीज आ जाएगा। और वंस अगेन आप बहुत सारे लोग अपना वक्त निकाल के अभी तक आप लोग बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 10 बजे तक बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, उन लोग को शायद टीवी का याद आता होगा, बीवी का याद आता होगा, बेडरूम का याद आता होगा, मुझे मालूम नहीं है, भाग जाते हैं। आप लोग अभी तक बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच। चाहत सब लोगों का पास है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। और वो आप लोग वो लोग है जो आने वाला दिन में ITC बन के खुद का जिंदगी तो परिवर्तन करेंगे, और जैसा नट्टू भाई का एक निर्णय का वजह से आज गुजरात में हजारों लोगों का जिंदगी में एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का सपना देखने के एक ताकत मिला है, उसी तरीके से आने वाला दिन में आप लोगों को भी वो ताकत आना चाहिए, दूसरों को ताकत आप लोग मिलके देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल द लीडर्स। और नट्टू भाई आपके लिए भी स्पेशल थैंक्स, बहुत कुछ रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ लर्निंग, रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ लर्निंग। ये वीडियोस जितना भी ट्रेनिंग का वीडियोस है थोड़ा घड़ी घड़ी सुनिए, जिसका वजह से आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा, ओके। और सब लोग अमीर बनना चाहिए, सब लोग अपना बच्चे लोगों के लिए कुछ अच्छा जिंदगी छोड़ के जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच नट्टू भाई, यश भैया थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर।